हाँ जी चलो टारगेट पूरे किए क्या क्या किए बताओ एग्रीकल्चर खत्म कर दिए पूरा उससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम थे वो सारे खत्म किए ठीक है एग्रीकल्चर हो गया फिर वो अपन ने बेसिक वाले सारे प्रॉब्लम बोले थे वो खत्म किए मतलब तुम्हारा बेसिक यहाँ तक मेरे साथ खत्म हो चुका होगा एग्रीकल्चर तुम्हारा यहाँ तक मेरे साथ ख़त्म हो चुका होगा बराबर ना बराबर है तो यहाँ तक के तुम्हारा बेसिक और एग्रीकल्चर खत्म हो चुका होगा अब देखो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जीएसटी नो डाउट यशवंत सर दस तारीख से चालू करेंगे ही बट हाल फिलहाल में तुम क्या कर सकते हो इसके अलावा देखो अगर इन टोटल बात करें हम लगभग 147 डेज मैं जितना कैलकुलेट कर रहा था उस हिसाब से 147 डेज रिमेन इन दी एग्जामिनेशन नाउ पहली बात बताओ हाउ मेनी पीपल आर गिविंग ओनली वन ग्रुप ये एक ही ग्रुप दे रहे हैं अच्छा ओके, rest, के लिए हो रहे हैं। अब देखो, अगर आप सिलेबस से न्यू सिलेबस के अंदर में आए हो, हो, हो तब तो तुम्हारे को एक पेपर कॉस्टिंग एग्जाम हो गया होगा अगर आप नवंबर 23 ओल्ड सिलेबस से आए हो इधर तो हो सकता है कि अब तक आपने अगर मान लो पास किया होगा ग्रुप वन को तो पेपर एग्जाम हो गया होगा तो तुमको टेक्निकली दो ही पेपर प्रिपेयर करने हैं ग्रुप टू के अंदर बराबर है ना करेक्ट और नॉट राइट क्यों एग्जामेशन नहीं मिला होगा जिनने ग्रुप वन क्लियर कर दिया होगा उसका ग्रुप वन जिनका क्लियर किया होगा उसको तो मिला होगा ना ऐसा क्या कर रहे हो उनको दो ही पेपर देने और जिनका कुछ ही नहीं क्लियर हुआ होगा उनको तो खैर दोनों ही ग्रुप देने हैं बट सिर्फ उनका ई खत्म हो चुका होगा और नए से वापस से क्या प्रिपेयर करना है एस तो ये आप जानते ही एस एम ऋषभ सर ले रहे हैं ऑडिट भी ऋषभ सर ले ही रहे हैं है, तो वो तो आपको प्रिपेयर करना ही है बट अब पहले इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि कौन से सब्जेक्ट है जो चेंज नहीं हुए हैं मेरे हिसाब से ना एक टारगेट लेकर के चलो कि यहाँ से पंद्रह फरवरी तक के जैसे लॉ में बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है राधर सिर्फ तीन एक्ट ऐड हुए हैं जिसका ऑलरेडी दर्शन सर ने सारी चीज़ें वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है और ये भी चालू है तो मेरे हिसाब से तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हारा पंद्रह फरवरी तक के लॉ खत्म हो जाना चाहिए मतलब पूरा एक बार ऐसा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख करके अकाउंट्स के अंदर में जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं मतलब जो टॉपिक कॉमन थे या इन भी तुम मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो वो एक तुम्हारा हो जाना चाहिए तीसरा जो टॉपिक है तुम्हारा कॉस्टिंग जिसके अंदर में चेंजेस नहीं आए हैं तो मेरे हिसाब से तुम्हारे मेन तीन टारगेट पंद्रह फरवरी तक के होने चाहिए कि तुम्हारे को कॉस्टिंग अकाउंट्स ये दनादन दनादन सॉल्व करते जाना है ये पहले टारगेट में रखो मतलब दिन के तीन तीन घंटे आपको इधर देना है अगर बच रहा है तो और बचे हुए दो घंटे आपको लॉ देना है और बचा हुआ ये जो फास्ट ट्रैक आपका चल रहा है इसको चलने दो यहाँ पे आपके अमेंडमेंट के साथ साथ प्रिपेयर हो रहे हैं वैसे भी जितना कंटेंट अपन यहाँ पढ़ते हैं उसके बाद जाके अगर तुम आधा घंटा भी पढ़ लिए एडिटी तो तुम्हारा काफी हो जाएगा ये बात तो अग्री कर रहे हो कि नहीं स yes, आधी घंटा भी पढ़ लिया तो तुम्हारा काम हो जाता तो पंद्रह फरवरी तक के एक अलग से टारगेट लेकर के चलो कि तुम्हारे को कॉस्टिंग पूरा का पूरा खत्म करना है क्योंकि वहां कोई चेंज नहीं हुआ तो उसके लिए तो वेट ही मत करो और सबसे पहले देखो पंद्रह फरवरी तक के ना बड़े टॉपिक पहले उतार के खत्म कर दो मतलब जो बोझ वाली चीज है ना वो तुम्हारे मन से उतार दो आज देखो कॉस्टिंग की अगर अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारे को सबसे पहले मार्जिनल स्टैंडर्ड बराबर है फिर ओवरहेड्स बराबर फिर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बजेटरी बराबर ये बड़े टॉपिक फिर वो जॉब कॉस्टिंग वाले टॉपिक आते हैं ये सबसे पहले उठा करके खत्म करो क्योंकि अगर तुम्हारे ये टॉपिक हो गए तो तुम ये सोच करके चलो कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभी डुअल बोझ है तो इस बार है ना पढ़ाई करने के थोड़े से तरीके को बदलो तुम लोग क्या करते हो हर बार पहले यू नो इन इन टॉपिक्स को थोड़ा सा बाद में लेते हो और पहले इजी इजी वाले खत्म करते हो इस बार इस अप्रोच को प्लीज थोड़ा सा चेंज कर लो अगर जेनुअनली पास होना है तो तुमको ये पता है एस एम पूरा नया पढ़ना है ऑडिट पूरा नया पढ़ना है डी टी के अंदर में तो चेंज है ही जी एस टी के अंदर में चेंज है ही बराबर है तो कौन से चेंज नहीं वाले सब्जेक्ट है मतलब श्योर है कॉस्टिंग है दूसरा अकाउंट्स के अंदर में इतना मतलब आपको आई डोंट नो अकाउंट्स के अंदर बहुत बड़े चेंज नहीं हुए ऐसा मैंने सुना है मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है राइट तो पहले जो नॉन अमेडेड वाली चीज़ है जैसे कॉस्टिंग हो गया इसको तो पहले खत्म कर दो कॉस्टिंग पहले खत्म कर दो लॉ पहले धनाधन खत्म कर दो अकाउंट्स के जितने टॉपिक कॉमन है जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है वो उठा करके पहले खत्म कर दो बिलीव मी ये तुम्हें बहुत बड़ा एज दे देगा क्योंकि तुम्हारे बड़े सब्जेक्ट जो ग्रुप के हैं वो खत्म हो जाएंगे पंद्रह फरवरी तक के फिर लगभग लगभग मान करके चलो आपका उसी टाइम पे डी खत्म होने में आता रहेगा बराबर है उसी टाइम पे तुम्हारा डी खत्म होने में आता रहेगा और जीएसटी का पार्ट शुरू हो जाएगा तो ये सबसे सही प्लान होगा कि लगभग लगभग मान करके चलना फरवरी एंड तक तुम्हारा ग्रुप वन पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा क्योंकि अकाउंट्स खत्म हो चुका होगा लॉ खत्म हो चुका होगा टैक्स का डी वाला पोर्शन लगभग खत्म होने में आ चुका होगा या जीएसटी भी बहुत हद तक के ठीक है प्लस तुम्हारा कॉस्टिंग खत्म हो चुका होगा यानी तुम पूरा का पूरा टाइम किसको डेडिकेट कर पाओगे ऑडिट एज वेल एज लॉ उसमें भी तुम देख रहे होंगे अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा होगा रात में भी अगर तुम ऑडिट साथ में ऋषभ जैन सर का देख रहे होंगे तो वो पार्ट भी तुम्हारा साथ साथ में चलते जाएगा यू ऑल पीपल हु आर अटेम्प्टिंग फॉर मे तुम्हारा पहला टारगेट बड़ा सिंपल होना चाहिए कि फरवरी तक के एक बार फरवरी एंड इस बार फरवरी का एक और दिन तुमको एक्स्ट्रा मिल रहा है नंबर ऑफ आवर्स की बात करूँ तो आठ घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तुमको तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे को ये आठ घंटा ना वेस्ट नहीं करना है ये आठ घंटा तुम्हारे बहुत अच्छे से यूज करना है किस परपज के लिए मैक्सिमम सॉल्विंग सोल्विंग के लिए इतना तो तकलीफ नहीं होगा एक्सेप्ट अटक गए को करते वहीं तुमको करना है, नहीं तो नहीं तो इस बार ना तुम्हारा अप्रोच सिंपल होना चाहिए कि तुम बस सॉल्व करते जाओ सॉल्व करते जाओ सॉल्व करते जाओ सॉल्व करते जाओ यानी वेरी दीजी अप्रोच यू कैन हैव इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट इज वेरी सिंपल कि तुम क्या करते जाओ सॉल्विंग का पार्ट जो है वो मैक्सिमम करते जाओ तो तुम्हारे को आधे से ज्यादा काम आराम से कंप्लीट हो जाएगा इज इट डन यस तो चलिए शुरुआत करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं वी हैव डन द बेसिक टॉपिक वी हैव डन विद एग्रीकल्चर एज अ टॉपिक वी हैव स्टार्टेड विथ

इंडिविजुअल दो लोग मिलके एच बनाते हैं कंपनी तीन प्रकार की होती है और बाकी सबको चार दिशा में फेंक दो चलो एवरीबॉडी मैं हाथ मूव कर रहा हूं आप एक्सप्लेन करते जाओ अ पर्सन कैन इधर बी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक दोनों में से एक ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रसिडिंग ईयर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एनआर आर है तो दो पार्ट में डिवाइड करो लेकिन उससे पहले तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली डेज एम्प्लॉयमेंट शिप क्रू मेंबर, मेंबर का नंबर ऑफ डेज काउंट करते वक्त उतना दिन जितना वहां लिखा है लिखा है उतना क्या कर देना एक्सक्लूड कर देना आर बनाने के लिए दो कंडीशन स्टेज इन इंडिया

टू टैक्स एनी वेर इन द वर्ल्ड तो वो इंडिया में क्या माना जाएगा डीम्ड रेसिडेंट अगर वो डीम्ड रेसिडेंट है तो क्या मैं स्ट्रेट अवे उसेर कर सकता हूं सॉरी <coughs> so फिर हमने देखा था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये अगर आउटसाइड इंडिया एन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पंद्रह लाख से ऊपर अगर ये लोग कमा रहे हैं तो एक तो कंडीशन था आपका वन एटी टू डेज वाला दूसरा कंडीशन था आपका वन ट्वेंटी डेज वाला यहाँ तक ठीक है चलो इंडिविजुअल को बाजू करो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा हमारा हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एच चलो दो पार्ट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट करता सिक्स सिक्स सेटिसफाई कर रहा होगा तो होल एच एफ आर ओ आर एल्स होल एच एफ आर एन ओ आर ठीक है चलो बाजू करो फिर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर किया था सेम कट कॉपी पे सिर्फ कर्ता वाला पॉइंट हटा देना याद आ रहा है तुम्हारे को इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट फॉरन कंपनी ओ एम इन इंडिया रेसिडेंट ओएम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट ठीक है मालिक यहाँ तक के हमने पूरा पढ़ लिया था आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर रजिस्टर में लिखना है कल एक बच्चे ने मेरे से यूट्यूब के ऊपर सवाल पूछा था कि सर हम ये आर ओ आर 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 करते ही क्यों है यहां पता चलेगा बेटा आपको ठीक है सेक्शन फाइव टोटल इनकम सेक्शन फाइव टोटल इनकम बराबर है अगर आपको याद होगा इंडिविजुअल और एच को वी आर क्लासिफाइंग इन टू थ्री थिंग आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर डू यू अग्री यस वी आर क्लासिफाइंग इन दिस थ्री कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ इंडिविजुअल एंड एच एफ एंड फॉर अदर्स वी आर जस्ट क्लासिफाइंग देम इन टू आर एंड एन आर डू यू अग्री यस ओ नो राइट सो फर्स्ट एल मी आर देर अ पॉसिबिलिटी दट अ पर्सन कैन अर्न टू टाइप ऑफ इनकम इनकम एंड अ इनकम विच इज अर्न आउटसाइड इंडिया सो कैन आई कैटेगराइज दिस इनकम टू पार्ट इंडियन इनकम इनकम करेक्ट ऑर नॉट ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं इंडियन इनकम के ऊपर एंड सेकेंड हम आ जाते हैं किसके ऊपर बेटा फॉरन इनकम के ऊपर करेक्ट ऑर नॉट राइट सेम यहां पर भी classify this income into two part indian income and foreign income बराबर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियन इनकम एंड व्हाट इज फॉरेन इनकम राइट लेट मी फर्स्ट गो टू द पॉइंट फॉरेन इनकम बराबर है व्हाट इज फॉरेन इनकम इसकी डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी गजब की डेफिनेशन है कि आपको मोहब्बत हो जाएगी डेफिनेशन है एन इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम पूरा समझ में आ गया इतनी गजब डेफिनेशन है एन इनकम विच इज़ नॉट एन बोलो बेटा इंडियन इनकम फॉरेन इनकम तो जो इंडियन नहीं है वो फॉरेनर मानी जाएगी इनकम जो इंडियन नहीं है वो क्या मानी जाएगी फॉरेनर मानी जाएगी इनकम अच्छा दो दो बातें मैं और अच्छे से प्यार से अपडेट कर दूं कुछ यू नो गजब के लोग हैं पता नहीं कैसे ये इशू मेरे पास कल ही आया था दो बच्चों के दस हज़ार और एक का तो अट्ठाईस हज़ार रुपये चले गया कैसे चले गया कुछ बच्चे जो शायद यही कोर्स कर रहे हैं स्कैमर्स हैं जिन्होंने क्या किया है टेलीग्राम के ऊपर कहा कि भैया हम आपको पी नोट्स भेज रहे हैं आपको कुछ पैसे पहले भेजने पड़ेंगे अब बच्चों ने पी नोट्स के चक्कर में वो भेज दिए तो एक के नौ हज़ार आठ सौ रुपये समथिंग कुछ चले गए और एक के लगभग लगभग सत्ताईस हज़ार रुपये चले गए एक बच्चे के मैंने कहा बेटा आपको अगर नोट्स ही बाई करनी थी तो हब के पास मैंने वेबसाइट दी थी सारी चीज़ दी थी राइट तो आप ये सब क्यों कर रहे थे बोले सर पी डी एफ नोट्स चेक कर बोले क्या मिल गया अच्छा कुछ बच्चे हैं जो जेनुनली बेच भी रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो जेनुनली बेच रहे हैं हो सकता है उनकी उनकी गर्लफ्रेंड के लिए जो भिक्ख मांग के पैसे आने वाले थे वो शायद इधर से आ रहे हो तो ठीक है मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कोई अगर इतने नीचे लेवल पे गिर सकता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कुछ दिनों बाद अपने माँ बाप को भी सेल करने के लिए रख दे पी फॉर्म में देखिए आप सभी को एक बात बताता हूँ आप इनसे ले लो ये करना है ये कर नहीं करना है ये आपका डिसीजन है बट मैं जितने भी बच्चे ये कर रहे हैं या जहाँ पे भी ये बच्चे कर रहे हैं मैं सिर्फ आपको एक बात बोलता हूँ तुम तो है ना चिल्लर धंधे करते रहोगे ना तो जीवन में चिल्लर ही पकड़ते बैठोगे समझ तो में आया बड़े काम करने के लिए ना थोड़ा सा सोच भी बहुत बड़ी करनी पड़ती है ये इतने चिल्लर धंधे से नहीं चलेगा और मैं पूरे भारत देश को बताना चाहता हूँ ठीक है इन प्लीज़ इन लोगों से बचते रहें क्योंकि इनमें हमारा कोई रोल नहीं है हम हमारे तरफ से पी देते भी नहीं कुछ बच्चे हैं जो इस चीज़ को करते भी हैं मतलब वही फ़ोटो ले डालते डाल देते अपडेट करते पर इसमें लॉस हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे को जेनवइनली बात बता रहा हूँ तुम ये पंद्रह रुपये बीस रुपये सौ रुपये कमाने के चक्कर में अगर ये कर रहे होंगे तो तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम आज दस पंद्रह या सौ रुपये शायद कमा भी लो बराबर है ये बुक दे करके शायद हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार भी बना लो पर तू बेवकूफ है तेरे को ये नहीं समझ में आ रहा जितना टाइम तू ये करने में लगा रहा है ना उतना टाइम अगर तू तेरे सेल्फ डेवलपमेंट में डाल देना इससे ज़्यादा पैसा तू कमा ले बट खैर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा बिंदास कर बिंदास कर यस बट एक बात बिल्कुल समझ के चल ये कोई काम नहीं आने वाला और जितने भी बच्चे हैं पूरे भारत में ये दो लोगों के पैसे जा चुके हैं प्लीज़ इस तरीके की किसी चीज़ में ना पड़े और ऐसा कुछ मिलता भी तो हमारा उससे कोई लिंक नहीं है बढ़ते हैं आगे सर yes. पीडीएफ तो वैसे आप भी भेजते हो भैया जो चैनल पे मैं डाल रहा हूं ये मैं खुद अपलोड अपलोड कर रहा हूं और वो भी इसलिए अपलोड कर रहा हूं बेटा तेजस ताकि आपको तकलीफ ना हो और मैं आपके पिछले ही चार कमेंट तेजस बता दू सर पी डाल दो पीडीएफ डाल दो है ना तो आप पिछले ही अपने तीन वीडियो निकाल के दीजिए उसमें लाइव चैट में आपका दिख भी जाएगा कि सर चैप्टर वन का पीडीएफ डाल दो पीडीएफ डाल दो ये गजब बात है पहले भीख मांग लो और उसके बाद में बोल दो कि सर तुम ये क्यों दे रहे हो ठीक है मैं आपको खैर ऐसा बोलना नहीं चाहता था बट कुछ लोगों को रोस्ट करना अच्छा लगता है मेरे को ठीक है कुछ हम डाल रहे हैं बट हम कभी पी खुद होकर के यू you नो know, पूरे चैप्टर्स का नहीं डालते और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे मैं तो वैसे पैसे नहीं ले रहा अभी तुम तो मेरे लिए तो वो मैटर नहीं करता पर जो बुक है मेरे पीछे एक टीम है जिनका घर परिवार मेरे से चलता है एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा मैंने आपको पहले भी बताया आज भी बताया मेरे डैड तो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है और मैं आपको एक और बात जो अप्रीशिएबल बात है मैं वो बता रहा हूँ छब्बीस जनवरी का दिन है आपको पता है सबकी छुट्टी होती है आप वहाँ पे सामने जा कर के देखिए हमारे डिस्पैच टीम को हमारी डिस्पैच टीम जेन्यूनली वर्क कर रही है और डिस्पैच टीम के जो हेड है अभिजीत सर उनकी मम्मी का ऑपरेशन चल रहा है और वो बंदा वहाँ पे बैठा है ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली और मैं मेरे बारे में बताऊं तो खैर वो तो दूसरी बात है हमारे टीम का बंदा बैठा है ठीक है उसमें एक बंदा डिस्पैच का प्रवीण है जो जिसको कल लड़की वाले देखने आए थे बंदा दो घंटे के लिए लड़की वाले को दिखाने गया दिखा करके बंदा वापस आ करके बैठ के पूरा काम कर रहा है तो इसको ना बेटा मेहनत बोलते हैं इनके लिए ना मतलब दिल से रिस्पेक्ट निकलती है कि ये लोग आज भी वक्त कर रहे हैं ताकि इंडिया के हर बच्चे का पार्सल चले जाए मेहनत इसको बोलती है और ये आदमी कमाए ना हमारे को कभी तकलीफ नहीं होती पर वो आदमी का घर चले इस बात की जिम्मेदारी मेरी है ये बात हमेशा याद रखना एंड बेटा कर्मा इज देयर मैं तुम्हारे को समझाता हूँ कर्मा इज देर तुम शायद अभी बहुत छोटे हो इस पचास सौ रुपए की गेम में पढ़ने के लिए ठीक है हम तो खैर इससे बहुत आगे निकल गए और भगवान बना के भी उतना ही रखता है कोई तकलीफ नहीं है बट समाइम ना कर्मा हिट योर जनरेश है ना समझ जाए तो अच्छी बात नहीं तो पाँच छह साल में समझ ही जाएगा जनरेशन्स तो यू नो ब आप सभी को शायरी से कहना चाहूँगा जितने बच्चे ये कर रहे हैं स्कैम बच्चों के साथ जिनके माँ बाप के हार्ड अर्न मनी के साथ आप ये कर रहे हो बराबर है ये ना करो तो बेटर है नहीं तो कब तुमसे भगवान किधर कहाँ से निकालेगा समझ में नहीं आएगा खैर ये प्यार भरे शब्दों के साथ आपको हमारे तरफ से पूरे पुणे और महाराष्ट्र की तरफ से प्रणाम आइए मैंने देखा यार लिटरली कितने रुपए मांग रहे हो पंद्रह रुपया कितने पंद्रह रुपए एक एक कितने मांगा पैतालीस रुपए पीडीएफ देता हूँ नोट अच्छा मैंने देखा है भाई अच्छा मैंने चैट भी किया है बंदे से मैं ये बता रहा हूँ <laughs> मैंने चैट किया है बंदे से भाई विजय साढ़ा के नोट्स अवेलेबल है हाँ ना अवेलेबल है ना अच्छा भाई बता दे कर क्या रहा है मोबाइल से फोटो खींच के भेज रहा है मैंने बोला बंदा भाई जो बच्चा इसको खरीद भी रहा है वो इतना भी अकूफ है कि मतलब इसका झेरॉक्स भी निकलेगा तो कैसे निकलेगा पहले ये तो सोचो और कितने रुपए के लिए पचास रुपए के लिए अब सोचो वो प, इस पचास रुपए के लिए दिन भर लाइब्रेरी में बैठ रहा होगा एक का मैसेज आया दो का मैसेज आया तीन का मैसेज आया ये पचास, पचास 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 का चिल्लर जमा करके मैं बोला एक कर क्या रहा होगा अरे भाई तू तो एक बात समझ जिस डिग्री को तू पाने जा रहा है ना पचास रुपये छोटी अमाउंट है भाई उस डिग्री के लिए बहुत छोटी अमाउंट मतलब कहीं नहीं लगता ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं मैं एक बात बताऊं मतलब तेरा क्वालिटी ना पचास हजार पर मंथ का है पचास रुपये पर नोट्स का नहीं तो मैं है। तेरा क्वालिटी तो समझ बे तेरा क्वालिटी तो समझ और मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे क्या पूरे इंडिया के हर टीचर के नोट्स घूमते हैं पॉइंट वो नहीं है बट इस चक्कर में जो तुम बच्चों के साथ स्कैम कर रहे हो ना उनके हार्ड एंड मनी जो उसके मम्मी पापा के है वो जो तुम कर रहे हो ना ये बेवकूफ़ी है और इतना गंदा फंसोगे ना इस चक्कर में इतना गंदा जिसकी हद नहीं बहुत ही गंदा फंसने वाले हो कि जिस दिन तुम फंसे ना उस दिन हम तो छोड़ पुलिस वाला ही तेरे को निकाल लेगा पूरा का पूरा मैं आप सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूँ बेटा इस चीज़ में मत फंसो और मैं क्या बोल रहा हूँ इफ़ यू कांट अफोर्ड अ बुक ना उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है अपना मॉड्यूल ओपन करो उसमें भी सब कुछ दिया है हम भी वहीं से पढ़ा रहे हैं वो गीता है भगवत गीता है समझ में आ रही है बात और भी कुछ नहीं ना तो ये जो दिख रहा हूँ ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे भी कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ले कराऊ उससे भी काम हो जाएगा तुम्हारा बट यार इस चक्कर में ना अपने हार्ड एंड मनी मम्मी पप्पा के मत गवाओ कमर का कुछ नहीं जाता मेरे भाई वो पैसे लेके और वो क्या करेगा मैं तुम्हारे को बताऊँ मेरे को एक बात बताओ आप सब जानते हो इतना तो हराम का पैसे का क्या होता होगा क्या होता होगा भैया वो काम में तो कभी नहीं लगते मेरा बात समझ में आ रही है क्या काम में तो कभी नहीं लगते तो बस भाई इतना सिंपल सा पॉइंट है आप सभी को बताना चाहता हूँ ये मुद्दा मेरे सामने आया ना इसी के लिए आपके वो, मैं बोला दो मिनट रोक करके आपका टाइम भले ही थोड़ा सा वेस्ट हो पर मैं हर बच्चे को समझाना चाहता हूँ ये दस पंद्रह पचास सौ पाँच सौ हजार दो हजार ये चिल्लर के चक्कर में ना पढ़ना ही मत समझ तो में आ रही है बात ये चिल्लर के चक्कर में मत पढ़ना तो कुछ बड़ा कर पाओगे लाइफ में नहीं तो एटलीस्ट तुम मत पढ़ना जिसको हो सकता है तुम्हारे बाजू वाला करो भाई तू बदबिंदास कर ले और इस चक्कर में सोच के देखो टाइम कितना वेस्ट होता होगा तो टाइम एक बंदे का पहले मैसेज आता होगा पहले एक बंदा ये मैसेज डालता होगा कि मेरे पास नोट्स अवेलेबल है फिर दस इसको मैसेज करते होंगे फिर पैसा कलेक्शन फिर नोट्स देना फिर तुमने जाना वहाँ जाना और एक भी पेज अगर उसने स्कैन करना भूल जाऊंगा तो क्या होगा अब मैं इतना टाइम लगाने से बेहतर अगर आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर दो और कुछ नहीं तो बे <laughs> तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हो रही है लाइफ में सोलो वो ज्यादा बेटर है गेटिंग द पॉइंट चलो जी आ जाओ बेटा अस स्टार्ट फॉरेन इनकम फॉरेन इनकम कौन सी इनकम होती है इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम इज अ फॉरेन इनकम अब आते हैं समझने के लिए व्हाट डू मीन बाय बोल बेटा इंडियन इनकम व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन इनकम इंडियन इनकम क्या होती है पहला इनकम ये वाले पार्ट को अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो प्लीज इसको स्लो डाउन कर दो ये पार्ट को अच्छे से समझना इनकम रिसीव्ड इन इंडिया अगर पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है कौन है इेलिवेंट इनकम इंडिया में टैक्सेबल है लेट मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल लेटमी सिंपल एग्जाम्पल राइट मान लीजिए अंडरटेक जॉन सीना

Income deemed to be received or accrued in India. Received in India, deemed to be received in India. Received in India, deemed to be received in India. Received in India, deemed to be received in India. ना चलो जी क्या in क्या होता 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 है 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 सर ये in ये ये जो बेटा सेक्शन सेवन के अंदर में इसके अंदर में कवर हो रहा है सेक्शन सेवन हाल फिलहाल में मैं सेक्शन सेवन लिख रहा हूँ तुम मत लिखो सिर्फ समझ लेना क्योंकि सेवन और नाइन का एक ही चार्ट बना के देता हूं तुम्हारा पढ़ने का काम कम हो जाएगा तो दो मिनट रुकना बाद में मैं आपको चांस दे दूंगा बाद में मैं आपको चांस दे दूंगा डीम्ड टू बी received इन इंडिया सेक्शन सेवन एंड एट डीम्ड टू बी received इन इंडिया सेक्शन सेवन और एट बात करता है टन इनकम अज्यूम किया जाएगा कि इंडिया में रिसीव हुई है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सर्टन इनकम क्या किया जाएगा बेटा अज्यूम किया जाएगा इंडिया में रिसीव हुई है कौन कौन सी इनकम आती है पहला कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ बियॉन्ड ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी याद होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है बारह परसेंट तक के क्या है टैक्सेबल तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया तो भी ये माना जाएगा डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंडियन कंपनी अपनी एम्प्लॉय को फॉरन में भेजती है और उसका आरपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया में ही चलता होता है तो आरपीएफ में जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है बियॉन्ड 12 परसेंट टू ट्वेल्व परसेंट क्या है एग्जाम इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड नाइन पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम इस आरपीएफ के ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है ना ये इंटरेस्ट भी बियॉन्ड नाइन पॉइंट फाइव परसेंट

एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बिहाफ पे पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्या होता था आरपीएफ दैट इज रिक्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो फाइनल सम मिलता था वो पूरा का पूरा क्या होता था एग्जाम वो पूरा का पूरा क्या होता था एग्जाम होता था तो लोग क्या करते थे जीवन भर उस फंड को रखते थे और जब इसके विड्रॉल की बारी आती थी इसको आरपीएफ में कन्वर्ट कर देते थे कमिश्नर का अप्रूवल लेके अब होता क्या था एंड टाइम पे जो अमाउंट टैक्सेबल हो जानी चाहिए थी वो आरपीएफ के चक्कर में क्या हो जाती थी एग्जाम लोगों को समझ में आया गवर्नमेंट को समझ में आया ये लोग तो हमें <laughs> बेवकूफ बना रहे उन्होंने बोला जिस टाइम आप यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट कर देंगे हम इसे मान लेंगे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया तो चार चीजें डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी चलो जल्दी से बोलो चार चीजें डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएंगी कौन-कौन सी कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी यस और नो हां इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड यस, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम कन्वर्जन ऑफ यू आर पी एफ टू आर पी एफ सेक्शन एट कहता है डिविडेंट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी सेक्शन एट कहता है डिविडेंट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी अगर इंडियन कंपनी क्या करती है डिविडेंट देती है तो इट इज ऑलवेज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ऑलवेज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ठीक है तो जिस पेज पे आप सेक्शन पांच लिख रहे थे उस वो पेज छोड़ दो सीधा नेक्स्ट पेज पे आओ ये वाला पार्ट बनाओ चार चीजें कहता है सेक्शन सेवन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड हाँ ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड नाइन परसेंट पर एन एम कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम कन्वर्जन ऑफ यू आरपीएफ टू आरपीएफ ये सोनो ठीक है कुछ बच्चे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं कंसेप्ट खत्म हो दो आप ही इसके जवाब दे दो रुक जाओ सेक्शन एट कहता है डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी हमेशा क्या होती है टैक्सेबल फर्दर सेक्शन एट डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी भी बताता है आइए जरा समझते हैं कैसे डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं मालिक एक होता है फाइनल डिविडेंड एक होता है इंट्रीम डिविडेंट और एक होता है डीम डिविडेंट याद आ रहा है क्या आपको ये जो डीम डिविडेंट है ये कवर्ड है 222 ए से लेकर के 222 ई e तक के याद आ रहा है आपको यस yes? डिडेंट टैक्सेबल इन दिक्लेय एट एजीएम आपको दर्शन सर लॉ के अंदर में बताएंगे एक बार डिविडेंट डयर कर दिया तो इट बिकेम्स अलाइबिलिटी फॉर द कंपनी तो जिस साल एजीएम में डिक्लेयर किया टैक्सलिटी उसी साल हो जाती है इंट्रिम एंड डिम डिविडेंट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट Taxable in the year of receipt. Is this done? तो यहां आया आपका सेक्शन सेवन एंड एट सेक्शन सेवन एंड एट डीम टू बी इन इंडिया अब मुझे एक बात बताइए रिलायंस में शेयर होल्डिंग रख रहा है कौन मेटा दैट इज फेसबुक रिलायंस जब भी इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करता होगा डिविडेंड का एक पोर्शन मेटा के पास भी जाता होगा विल दैट अमाउंट भी टैक्सीबल टू मेटा इन इंडिया ये बिकॉज ये डीम किया जाता है इट इज रिसीव्ड इन इंडिया ये बात समझ में आई सभी को तो वापस मैं घूम करके इधर आता हूं इंडियन इनकम क्या थी इंडियन इनकम के दो पैरामीटर पहला रिसीव्ड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कहां लिखा है सेवन एंड एट ठीक है अब आप देखेंगे अब आप देखेंगे सर हमने क्या कहा था पहले छे में जाओ छह से पांच में आओ पांच से सात आठ नौ दूसरा थर्ड पॉइंट रिसीव्ड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडिया उटसाइड इंडिया अख्रूड इन इंडिया अगर पैसा इंडिया में अख्रू हुआ है इनरिस्पेक्टिव रिसीव कहा हुआ है आई हैड अ बैंक अकाउंट इन एस बी आई बैंक इंडिया बट आई हैव इंस्ट्रक्टेड द बैंक मैनेजर टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट अक्रूड टू माई स्विस अकाउंट

बराबर है मैंने आपको बोला कि भैया मैं आपको लेक्चर इधर दूंगा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दूंगा लाइव स्ट्रीम में दूंगा फेस टू फेस में दूंगा और मैंने आपको बोला कि बेटा जो आप पैसा ट्रांसफर करोगे ना वो मेरे दुबई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना नाउ टेल मी सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया येस इनकम अक्रूड इन इंडिया येस इवन दो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन

कि सर्विस किधर दी थी क्या दी थी माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके ये कैसे पता चलेगा कि सर्विस किधर दी थी वो तो किधर भी दी जा सकती है ना सर्विस की बात है तो ये कैसे पता चलेगा सर सर्विस दी थी देखिए ये ढूंढने का काम आपका मेरा नहीं है एओ एक रखा है है? वो ये ढूंढते बैठेगा एक्चुअल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इधर हुआ था रखा किधर गया था एटसेट्रा 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 ये सब ढूंढने का काम उसका है आपने सीधा सीधा लॉ के ऊपर फोकस करने का लॉ कितना बोलता है अगर अक्रू या रिसीव यहां हुआ इट इज टैक्सेबल इन इंडिया खत्म लास्ट पॉइंट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया डीम टू अक्रू और अराइज अक्रू और राइज इन इंडिया सेक्शन नाइन हुए हुए सात से आठ आठ से नौ पे पहुंच गए Zadan. अब आप पूछेंगे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया क्या होता है यही चीज अगले पेज पर वापस आओ कहा लिखी है Section Deem to accrue in India. कुछ केसेस में माना जाएगा अक्रू ही इंडिया के अंदर में हुआ है कुछ केसेज में माना जाएगा अक्रू ही कहा हुआ है? है, तो है, है इंडिया में और अगर अक्रू इंडिया के अंदर में है तो टैक्सीबिलिटी कहां अराइज होने वाली है इंडिया में अराइज होने वाली है ओया ठीक है चलो समझते हैं कहाँ थे हम सेक्शन पांच पे थे अब तक सेक्शन पांच खत्म नहीं किया सेक्शन पाँच से हम धीरे से आगे बढ़ गए सेक्शन पाँच में आगे बढ़े तो दो तरह की इनकम मिली इंडियन इनकम फॉरेन इनकम बराबर है कि नहीं फॉरेन वाली को ढूंढने निकले तो पता चला जो इंडियन नहीं है वो फॉरेनर है ठीक है इंडियन वाली को ढूंढने निकले तो इंडियन में कितनी क्वालिटी होनी चाहिए चार इंडियन में कितनी क्वालिटी होनी चाहिए चार या तो यहाँ मिलनी चाहिए या हम डीम करेंगे यहाँ मिल गई अक्रू यहाँ होनी चाहिए या हम डीम करेंगे अक्रू यहाँ हो गई बराबर है अच्छा जी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया इसके अंदर दस पॉइंट है कितने पॉइंट है दस दस पॉइंट है दस के दस आपको क्या करने हैं डिस्कस करने हैं बराबर है चलिए आइए नोट्स पे आइए देखिए ये सेक्शन पाँच हम लोगों ने चालू किया इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसके बाद में ये सेक्शन सात अराइज किया है यहाँ पर

ठीक है मैं इसके पॉइंट्स को अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ सबसे पहले सैलरी अर्न इन इंडिया सबसे पहला पॉइंट क्या है सैलरी अर्न इन इंडिया अगर सैलरी कहाँ अर्न की गई है इंडिया में अर्न की गई है दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल मान लीजिए एक नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया में आकर के जॉब कर रहा है और सैलरी कमा रहा है बराबर है तो वो लेट्स से जारा क्या बेटा जारा गाड़ा ने उसको इंडिया का हेड बनाया वो इंडिया में आया राइट उसने देखा एफ सी रोड पर सौ सौ रुपए मिल रहे हैं सोचो उसको कैसा लगा होगा बिल्कुल वैसा ही जैसा पच्चीस रुपए में मेको लगा <laughs> समझ नहीं आ रहा है क्वालिटी क्वालिटी में डिफरेंस है ये बात पक्की है सौ रुपए में जौड़ा का टी शर्ट ले लो <laughs> या वही टी शर्ट हजार रुपए में ज्यादा का टी शर्ट ले लो <laughs> कदम सुनो तो सर क्या हुआ Gara के स्टोर ने उनको इंडिया का मैनेजर बनाया वो इंडिया आके सर्विस दे रहे हैं नाउ अंडरस्टैंड सर्विस इज रेंडर इन इंडिया यस विल दैट अमाउंट बी टैक्सेबल इन इंडिया यस सेक्शन नाइन कहता है भले ही उनको जॉब वहां मिला था पर सर्विस कहा रेंडर करी इंडिया में इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इट विल बी अज्यूम टू बी रिसीव इन इंडिया

सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया इस पॉइंट को प्लीज थोड़ा अच्छे से समझिएगा अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है आउटसाइड इंडिया दैट सैलरी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया सर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया क्यों देंगे क्यों भाई एम्बेसडर येस yes? तो इंडियन एम्बेसी जो इराक में है पाकिस्तान में है या अलग अलग कंट्री में है वहाँ पे इंडियंस को बैठाया गया है राइट right? तो उनको सैलरी दे रहे हैं पॉइंट नंबर टू रॉय एजेंट्स नो, राइट? तो इंडियन गवर्नमेंट ने सलमान भाई को टाइगर बना करके बाहर भेजा राइट right? वहां उनको सैलरी दे रहे होंगे तो ऐसे केसेस के अंदर में ऐसे अभी जैसे रिसेंट एक इशू में आपको बताता हूँ राइट इंडियन मिलिट्री फोर्सेस मालदीव में है बराबर है इज इट एन इंडियन गवर्नमेंट पेइंग टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया ये सो नो राइट ये जो सैलरी है ये डीम टू बी टैक्सेबल डीम टू अक्रोराइज इन इंडिया मान के क्या किया जाएगा टैक्स इन इंडिया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ रहा है इसका राइट right? अब ये चीज हमें लिखनी है सैलरी ऑन आउटसाइड इंडिया ठीक है अगर इंडियन गवर्नमेंट करे टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया सैलरी अलाउंस वर्क ये तीन चीजें देंगी सैलरी के ये तीन ही पार्ट है बोलो हाँ सैलरी के ये तीन ही पार्ट है तो सैलरी जो है ये क्या हो जाएगी टैक्सेबल इन इंडिया पर क्या आप जानते हैं अलाउंस और पर्ग्स जो है ये है फॉरेन अलाउंस और फॉरेन परक्विट जो होते हैं ये है सिर्फ सैलरी टैक्सेबल है फॉरेन अलाउंस और फॉरेन पर्ग्स जो होते हैं ये क्या है है अंडर सेक्शन टेन सब सेक्शन सेवन फॉरेन अलाउंस और फॉरेन परक्विजिट्स एग्जाम है जी चलो मेरे को एक सवाल बताइए इंडियन गवर्नमेंट की जगह मान लीजिए आर आई एल पे करता है इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया इसका क्या होगा विल दैट बी टैक्सीबल इन इंडिया ये नो जल्दी से कमेंट करके बताइए हाँ या ना विल दैट बी टैक्स नॉट टैक्स इन इंडिया नॉट टैक्स यहाँ सेक्शन पंद्रह लग जाता है सर्विसेज रेंडर इन फॉरिन सेक्शन पंद्रह क्या कहता है सेक्शन पंद्रह कहता है सैलरी वहां अक्रू होती है जहाँ सर्विसेज रेंडर की गई है ये जनरल रूल है जहां सर्विस दी वहां टैक्सेबल होता है इसलिए इसीलिए सैलरी अर्न इन इंडिया इंडिया में टैक्सेबल हो रही है इसीलिए क्या था सैलरी अर्न इन इंडिया क्या हो रही थी बेटा टैक्सेबल हो रही थी अब सेक्शन 15 सैलरी का कहता है सैलरी वहां टैक्सेबल है जब आपने हाँ सर्विस रेंडर करी इसीलिए जब नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके सर्विस रेंडर कर रहा था तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो रही थी पॉइंट क्योंकि सर्विस कहा इंडिया में इसको सिर्फ एक एक्सेप्शन है जब इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को दे आउटसाइड इंडिया सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है इस लॉ को इसलिए इस एक्सेप्शन के तहत ये टैक्सेबिलिटी आती है कि जब इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया दे रही है वो टैक्सेबल है अदरवाइज़ सैलरी वहां टैक्सेबल होती है so, तो विजय को कहा रखा दुबई के अंदर में रखा कि आप यहां so, पर रहा हूं मेरी टैक्सीबिलिटी दुबई में बनती है इंडिया में नहीं पर इंडियन गवर्नमेंट ने विजय को क्या किया दुबई में रखा और बोला कि भैया दुबई में आप टैक्सेज लगाने हैं तो वहां जाके टैक्सेस सिखाओ पहले वहां के लोगों को

इंडियन गवर्नमेंट ने आउटसाइड इंडिया भेजा सैलरी दे रही है क्योंकि रिसीव इन इंडिया इज एपरेट कंसेप्ट हम डीम टू तो क्रोर इन इंडिया पढ़ रहे गेटिंग द पॉइंट तो

नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी जो रिसीव कर रही डिविडेंड जो पे किया जा रहा है इंडियन कंपनी द्वारा सेक्शन एट बोलता था ऑलवेज डीम टू अक्रूव अराइज इन इंडिया सेक्शन नाइन बोलता है फॉरेनर को अगर डिविडेंड भी मिल रहा है इंडियन कंपनी से दैट विल बी टैक्स इन इंडिया राइट तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ला लीजिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बोलो 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 क्या गया डिविडेंड वाला पार्ट नेक्स्ट आता है बेटा मैं आगे पीछे ऊपर नीचे पढ़ा रहा हूं धीरे ध्यान से सुनना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट्स क्या बेटा सिचुएटेड इन इंडिया चलिए इसको समझते हैं राइट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑब्लिक एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया प्रॉपर्टी इंडिया में है और एसेट्स इंडिया में है इससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही होगी विल दैट इनकम टैक्सेबल इन इंडिया स्टार सानिया दीदी ठीक है सानिया दीदी पाकिस्तान में थी बराबर है सानिया दीदी कहां थी बेटा पाकिस्तान में थी बट सानिया दीदी की प्रॉपर्टी कहां थी इंडिया में बराबर है

पॉइंट राइट तो सानिया दीदी की जगह अगर कोई दूसरा नॉन रेसिडेंट भी होता जिसकी कोई प्रॉपर्टी या एसेट इंडिया में सिचुएटेड होता भले ही इसका रेंट उनको फॉरन अकाउंट में मिल रहा मैटर बट दैटल इन इंडियाबल इन इंडिया है तो अगर कोई भी व्यक्ति हु इज नॉन रेसिडेंट हैज प्रॉपर्टी और इंडिया द इनकम देअर फ्रॉम टैक्सेबल इन इंडिया एज एन इंडियन इनकम क्लियर है चलो अब देखिए कई लोग क्या करते होंगे लेट्स से आप एक सिंगर हैं पाकिस्तान से हैं आप इंडिया में आते हैं सिंग करते हैं अपना गाना गाते हैं कॉन्सर्ट करते हैं मूवी करते हैं ये लोग कई बार पैसा बाहर लेके नहीं जाते हैं ये पैसे को यहीं रख लेते हैं और यहीं पे उनका एक प्रॉपर्टी बोले बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना होता है आई शुड हैव अ प्लेस और स्टे और एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हियर ये सो नो अब ये लोग यहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अब अंडरस्टैंड कीजिएगा अब साल भर तो ये लोग आते नहीं हैं इससे अगर कोई रेंटल इनकम अगर जनरेट हो रही है वो इनकम कहाँ हो जाएगी टैक्सेबल राइट तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट को इनकम आ रही है दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया फिफ्थ पॉइंट इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सिचुएटेड इन इंडिया मान लो मिस्टर ट्रंप मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अ नॉन रेसिडेंट बराबर है इन्होंने क्या किए होल्ड किए शेयर्स इन अडानी ग्रुप इससे कोई इनकम जनरेट हुई दैट इनकम एन इंडियन इनकम

उनने ट्रम्प टावर का एक फ्लैट एडीजेड को बेच दिया अब अंडरस्टैंड कीजिएगा वेदर नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग फ्रॉम अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया यस इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया समझ में आई बात सेक्शन नाइन किसके लिए है नॉन रेसिडेंट के लिए नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम हाय 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 आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इंटरेस्ट इनकम बराबर है इसको देखो लेफ्ट में देखना है देखना कहां था लेफ्ट तुम कहां देख रहे थे एरो पे तुम कहां देख रहे थे एरो पे सिर्फ चापी देखो अच्छा अब ध्यान से सुनना इंटरेस्ट इनकम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है बात समझना अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे करती है आई से नॉन रेसिडेंट गवर्नमेंट I mean I mean so, किसी नॉन रेसिडेंट को क्या पे कर रही है interest. Yeah. Resident -resident को क्या पे कर रहा है इंटरेस्ट या नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा है फॉर बिजनेस इन इंडिया नॉन रेसिडेंट टू अनादर नॉन रेसिडेंट फॉर बिजनेस इन इंडिया बराबर है ये इंटरेस्ट इनकम जो वो अर्न कर रहा है कर रही है एज द केस मे बी विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम एंड टैक्सेबल इन इंडिया तो किस किस से मिले किस तीनों में से किसी से भी मिले इंडियन गवर्नमेंट से मिले रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट फॉर सर्विस फॉर बिजनेस इन इंडिया

यस तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने किसी से लोन लेकर रखा है नॉन रेसिडेंट है लोन विथ नॉन रेसिडेंट फॉर बिजनेस इन इंडिया फेसबुक इंडिया फ्रॉम फेसबुक यूके है ना सर पर वो क्या को लेंगे लोन क्यों लेंगे वो तो कैपिटल बोल के ले लेंगे बेवकूफ हो तुम कैपिटल बोल के नहीं लेंगे पूछो क्यू कैपिटल बोल के लेंगे तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला लोन बोल करके लेंगे तो वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट देंगे सेक्शन 36 सिक्स पी इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे इंडिया में प्रॉफिट रिड्यूस कर देंगे फॉरेन में टैक्स नॉन टैक्सेबल जगह पे इनकम जनरेट कर लेंगे वो कैपिटल बोल के नहीं देंगे कोई भी कोको कोला टू कोको कोला इंडिया कैपिटल थोड़े नहीं देगा लोन देता है समझ में आ रहा है क्या क्या देता है लोन पेप्सिको यूके टू पेप्सिको इंडिया क्या देगा लोन क्योंकि इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता बात समझ ना ये अगर डिविडेंड पे करे तो डिविडेंड तो टैक्सेबल बन जाएगा इंटरेस्ट डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर बन जाएगा समझ में ही बात तो कभी भी कैपिटल बोल के नहीं देने का लोन बोल के देने का पप्पा की फाइल से खुद की फाइल में पैसा लेने का है कैपिटल बोल के नहीं लेने का लोन समझ में आया क्या बोल के लेने का लोन बाद में इंटरेस्ट पे करने का उनको बरबर है कि नहीं

फॉर एनी परपज इन इंडिया अदर देन बिजनेस क्या बोला बेटा अदर देन बिजनेस विल नॉट बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ये जो नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट से पैसा लिया है इसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना अगर नहीं है दैट इंटरेस्ट विल नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया परपज बिजनेस होना बहुत जरूरी है यस सो इंटरेस्ट पेबल बाई पेड बाय गवर्नमेंट पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरियड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया टू हु नॉन रेसिडेंट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया ये अच्छा मान लो कुछ समझ के बताना ठीक है एकदमी ने बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से लोन लिया फॉर बिजनेस इन इंडिया एकतवम अकेडमी ने इंटरेस्ट पे किया बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को विल दैट इंटरेस्ट पेड टू बैंक ऑफ न्यूयॉर्क वुड बी टैक्सेबल टू बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इन इंडिया यस रेसिडेंट किसको दे रहा है नॉन रेसिडेंट को दे रहा है तो so, वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ पूरा ध्यान लगा के रखना एकत्वम अकेडमी यूएसए यूएसए में हमारा एक ब्रांच एकत्वम अकेडमी यूएसए ने बैंक ऑफ यूएसए से लोन लिया बिजनेस भी वहीं वही दैट अमाउंट टैक्सेबल टू बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इन इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए ना उस बिजनेस का अक्रू इंडिया में हो रहा ना उस बिजनेस का रिसीट इंडिया में हो रहा आर यू गेटिंग द पॉइंट चलो फिर से एक बार क्लियर करता हूँ ठीक है जीरो से लेके एंड तक पूरा पॉइंट गवर्नमेंट ने नॉन रेसिडेंट को दिया विल दैट बी टैक्सेबल इन इंडिया यस रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को दिया विल दैट टैक्सेबल इन इंडिया रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को दिया आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया ना राइज हुआ नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को दिया फॉर बिजनेस इन इंडिया नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को दिया फॉर एनी परपज अदर देन बिजनेस इन इंडिया पक्की बात हो गई सारी समझ में आ गया बहुत बढ़िया अब रेसिडेंट का एक्सेप्शन पढ़ो समझ में आएगा वे आर इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेप्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाई हिम आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट का बिजनेस भी बाहर है और वो इंटरेस्ट भी बाहर दे रहा है तब कोई टैक्सीबिलिटी इंडिया में नहीं आती क्योंकि नॉन रेसिडेंट को ना इंडिया में रिसीव होता ना इंडिया में अक्रू होता गेटिंग द पॉइंट यस yes? चलो इंटरेस्ट है यस गवर्नमेंट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट और बिजनेस इन इंडिया ये क्या करते हैं पे करते हैं इसको नॉन रेजिडेंट ये जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है इसे क्या माना जाएगा इंडियन इनकम माना जाएगा इसे क्या माना जाएगा इंडियन इनकम माना जाएगा नॉट टैक्सेबल इन इंडिया एक सिचुएशन लिखूंगा या दो? दो तो पहला

for business outside india एक मस्त बात बताओगे तुम्हारे को मस्त बात बोलू रेडियो पब्लिक रॉयल्टी पब्लिक एफ टी एस ओब्लिक रॉयल्टी पब्लिक एफ टी एस कट कॉपी पेस्ट रॉयल्टी में भी यही पॉइंट है एफटीएस में भी ये पॉइंट है तीन अलग अलग चीजें पढ़ने की जगह एक चीज पढ़ो काम खत्म करो आपको मैं पढ़ाऊंगा पूरा ही शॉर्टकट आपको स्ट्रेट अवे लिखा दिया बराबर है। स्टार्ट करूँ इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझ में आया सभी को नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रॉयल्टी किस पे आते हैं रॉयल्टी अगर मैं रॉयल्टी की बात करूं अगेन इस पे फोकस करो फिर तुम इधर उधर फोकस कर रहे हो इस पे फोकस करो हाँ कौन किसको दे रहा है चलो याद करो अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को देता है या योगी जी ने बे रेसिडेंट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी पे करते हैं या नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी देता है राइट रॉयल्टी इज टैक्सेबल इन इंडिया पर दो केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी बताओ कब जब नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी पे कर रहा है और अदर देन बिजनेस परपज जब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है आउटसाइड इंडिया क्योंकि दोनों के भी केस में अक्रूवल होता ही नहीं ये सर नो लो जी यही पॉइंट यहां लिखा है फिर से इसीलिए समझे एक ही डायग्राम तीन चीजों का काम करेगा गवर्नमेंट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट टू बी यूटिलाइज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया सच रॉयल्टी विल बी टैक्सेबल इन

इस इशू को बहुत क्लियरली समझ लो तुमको तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा पहले क्या होते थे देखो आजकल सॉफ्टवेयर कैसे मिलते हैं यू जस्ट क्लिक डाउनलोड यू गेट द सॉफ्टवेयर और ऐप बराबर पहले ऐसा नहीं था जब तक हम इतने एडवांस नहीं हुए थे तब तक क्या था ये जो सॉफ्टवेयर जाते थे ये एक सी या हार्ड डिस्क के अंदर में आते थे जैसे पहले क्या होता था टैली आना है या कोई भी सॉफ्टवेयर लेके आना है तो ये मतलब आपको तो मालूम ही है पहले सीडी में मिलता था अरे <laughs> पहले सब कुछ सीडी में आते था ना वो नहीं वो डीवीडी होती थी सात आठ मूवी एक साथ <laughs> तो पहले जितने भी सॉफ्टवेयर आते थे वो कहीं में आते थे सीडी और डीवीडी में आते थे बराबर है कि नहीं है राइट right? अब सीडी और डीवीडी के अंदर में आते थे तो बहुत सारे एक साथ आ जाते थे अब ये सीडी और डीवीडी सेल होता था याद आ रहा क्या तुमको ये सीडी और डीवीडी सेल होता था अब टेक्निकली एक सॉफ्टवेयर सेल है टेक्निकली क्या है ये एक सॉफ्टवेयर सेल तो पहला सवाल उठा ये जो सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हैं इसमें एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को क्या करता था पेमेंट देता था भैया फॉरेन से जो भी पिक्चर आते थे वो ऐसा समझो ना कोई बेचता होगा ना सीडी डी यहां पर बाद में उसकी राइट्स होते होंगे बराबर है कि नहीं अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को जो पेमेंट करता था ये रॉयल्टी माना जाता था क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट था बराबर है अब यहां पे एक बहुत बड़ा इशू अराइज हुआ इशू क्या था मान करके चलिए ये लैपटॉप है मान करके चलिए ये क्या है लैपटॉप अब इसके अंदर में कोई तो प्रोग्रामिंग कोई तो सॉफ्टवेयर होगा मतलब हार्डवेयर के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर आ रहा है इसका क्या इस पर एक बहुत बड़ा इश्यू अराइज हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या कहा जरा समझिए ये जो हार्डवेयर आप बेच रहे हैं ये जो हार्डवेयर आप बेच रहे हैं हम इसको रॉयल्टी नहीं मानेंगे लेकिन हार्डवेयर के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर आप बेच रहे हो उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को हम रॉयल्टी मान के उसको नॉन रेसिडेंट को इंडिया में क्या भरना पड़ेगा टैक्स समझ में ही बात जबकि नॉन रेसिडेंट ने इसी चीज के ऊपर बोला कि सर देखिए जब तक के सॉफ्टवेयर अलग से बिकता था इस पे आप एनआर को टैक्स लगाए हमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर वॉज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट नाउ सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड इन हार्डवेयर मैं इसको कैसे अलग करके भेजू हाउ कैन आई सेपरेट माइक्रोसॉफ्ट विंडो फ्रॉम लैपटॉप फिर लैपटॉप लेने का मतलब ही क्या हुआ लैपटॉप आप ले रहे हो मतलब कुछ एसेंशियल सॉफ्टवेयर ड्राइवर उसके साथ आएंगे तो सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड विध टैक्स लगाओ हमको कोई तकलीफ नहीं है इफ सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड विथ हार्डवेयर आप इसको रॉयल्टी नहीं बोल सकते आप कैसे निकालोगे लैपटॉप का प्राइस पच्चीस हजार है तो सॉफ्टवेयर का कितना और हार्डवेयर का कितना आर यू गेटिंग द पॉइंट सॉफ्टवेयर का कितना और हार्डवेयर का कितना ये आप कैसे निकालोगे तो उन्होंने एक लॉ बनाया कि अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ एम्बेड होकर के आ रहा है उसे रॉयल्टी नहीं माना जाएगा उसे क्या नहीं माना जाएगा रॉयल्टी और तब जा करके कंप्यूटर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर यू नो कैलकुलेटर्स जिसके भी साथ सॉफ्टवेयर आते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी कम हुई और जब टैक्सेबिलिटी कम हुई तो ये चीजें सस्ते में इंडिया में मिलनी शुरू हुई आपको लॉजिक समझ में आया तो जो आपको सिस्टम मोबाइल ये वो सारी चीजें अब इंडिया में सस्ते में मिलता है उसका रीजन ये था कि जो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर था इसके ऊपर से टैक्सेशन को हटाया गया इस पर टैक्स नहीं लगाया गया यस yes, तब जाकर के ईडीज बंद हुई और सॉफ्टवेयर किस में मिलने चालू हुए विथ हार्डवेयर समझ में आई बात सो so, अब पढ़ो अब समझ में आएगा क्या लिखा है लमसम रॉयल्टी मेड बाय रेसिडेंट ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विथ कंप्यूटर हार्डवेयर कैल नॉट बी रिकार्डेड एज रॉयल्टी तो आप मुझे बताइए अगर आज भी कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल करता है विल दैट बी टैक्सेबल टू एन आर एज रॉयल्टी बात समझ में आ रही है अगर यही सॉफ्टवेयर विद हार्डवेयर आता है इट इज नॉट अ रॉयड की अरे इतना सब हमको दिया है हाँ सर मतलब ये सब हमारे सिलेबस में हाँ मॉड्यूल खोल के देखो सर कभी तो पहले पढ़ा नहीं मेरी गलती नहीं अपन ने ये सब कंसेप्ट पहले भी पढ़े अपमेंट से पढ़े हैं तो कोई बात नहीं कहीं और से भी पढ़े हैं तो मैं अज्यूम करता हूँ ये कंसेप्ट छोड़ने लायक कंसेप्ट नहीं है जरूर पढ़ाया होगा ये बात अलग है अपना ध्यान नहीं होगा ठीक है चलो आ जाओ जाके वो डायग्राम को देखो जो हमने लिखा है इंटरेस्ट को ऑब्लिक करके रॉयल्टी लिखा है क्या वो डायग्राम परफेक्टली फिट होता है यहाँ पे भी समझ में आया तो एक ही जगह लिख लो तीन जगह अप्लाई होगा अब इधर आना अब आपको मीनिंग ऑफ रॉयल्टी बताया हुआ है कि कौन कौन से पेमेंट जो एनआर को कर रहे हैं ये रॉयल्टी में आएगा ये डेफिनेशन आपको मॉड्यूल के अंदर में दी है सी एस सी एस एग्जीक्यूटिव तीनों में पर इसको कभी पूछा नहीं गया तो एक बार बस रीड करके निकालते हैं कि क्या क्या चीज रॉयल्टी मानी जाएगी तो अज्यूम कीजिए कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया से ये पेमेंट रिसीव कर रहा है तो जो नॉन रेसिडेंट रिसीव कर रहा है वो रॉयल्टी बोल के रिसीव कर रहा है गेटिंग द पॉइंट पहला रॉयल्टी मीन कंसिडरेशन इंक्लूडिंग लमसम कंसिडरेशन ये बट एक्सक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन विच कैपिटल गेन बराबर है द ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फार्मूला ट्रेड प्रोसेस एट्सेट्रा देखिए एग्जाम्पल लिखते जाइए साथ, साथ में मा रुती इसको पे कर रही होगी को पे कर रही होगी रॉयल्टी पे कर रही होगी येस yes, बिकॉज उनका ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं ये लोग तो उनका ट्रेडमार्क यूज़ करने पर वो लोग क्या पे कर रहे होंगे रॉयल्टी तो सुजुकी को जितना रॉयल्टी मिल रहा होगा इंडिया से इज इट टैक्सेबल इन इंडिया यस नेक्स्ट इंपॉर्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द वर्क ऑफ एनी पेटर्ट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मूला प्रोसेस और ट्रेडमार्क अगर आप इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं रिसेंटली टोयोटा टू मारोती बराबर है कि नहीं आपको पता हो या नहीं पता हो अब तक के पिछले साल तक के ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में टोयोटा और मारुति साथ में काम करते थे इंडिया में छोड़ करके पिछले साल से उनने ये भी कर दिया इसीलिए आपको बलेनो और इधर फ्रोंक्स आ जाता है ये नो इधर यू नो हाईक्रॉस आती है तो यहाँ इनविक्टो आ जाती है राइट right? अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि फॉर्चूनर जो थी वो भी मारुति निकाल रहा है हाँ टॉर्चूटर तो ऐसा नाम करके कुछ तो निकाल रहा है खैर वो होगा टॉर्चर ही पर ऐसा कुछ निकाल रहा है क्योंकि अब दोनों क्या करते हैं शेयर करते हैं ऐसा नो तो कई बार ऐसा होता है दो राइवल मिल के काम करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं ट्रेडमार्क पेटेंट सीक्रेट फार्मूला शेयर्स करते हैं तो ये भी जो पेमेंट हो रहा है ये भी क्या माना जाएगा रॉयल्टी द यूज ऑफ एनी पेटेंट इन्वेंशन डिजाइन मॉडल फार्मूला इंडियन पेप्सिको यूए के पेप्सिको को फार्मूला एफसी बनाने का क्योंकि इंडिया में बनता है पर इसका ट्रेडमार्क नोहाउ फॉरिन से लिया हुआ है तो उनको पेमेंट करता होगा तभी जाके इंडिया में एक्सपेंसेस बुक होते हैं तभी जाके इंडियन प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो ये जो पेमेंट एनआर रिसीव कर रहा है इसे क्या माना जा रहा है रॉयल्टी नेक्स्ट इंपार्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल यूज राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट कॉपीराइट लिटररी आर्टिस्टिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म वीडियो टेप्स और यूज इन कनेक्शन मैं अब तक नहीं समझ पाया इंस्टीट्यूट क्यों एक्सपेक्ट कर रहा बच्चा ये पढ़ ले एट फाइनल एंड इंटरलेवल अरे भाई वो एक लाइन नहीं पढ़ रहा वो सिर्फ सुन रहा विजय क्या बोल रहा तुम ये तो आप मैं सर जिस, जिसने भी बुक बनाई है ना मैं कहूंगा प्लीज आके एक बार यहाँ पे खड़े हो साथ में इनकी शक्लें तो देखो मतलब इतने गजब के लोग हैं मैं नीचे मुंडी डाल के पढ़ रहा हूँ ये सामने ऐसे देख रहे खत्म हुआ तो कुछ बोलेगा रुक सीधा लिखना काम खत्म करना अरे मतलब इतने हालस किए थे भाई तुम ये इतना इतना डाल करके दे रहे हो उसको एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा उसको ना वो इंटरेस्टेड है जेन्युनली सच बोल रहा हूँ मैं तुम ये बताओ इसका करना क्या है इतने में इंटरेस्टेड है वो बच्चा इतना गजब का बच्चा उसको आज हर चीज ऐसे शॉर्ट में चाहिए वो मूवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है उसको काली काली दो... ये देखना है भाई उसको सावन को पानी देखने का है उसमें भी वो एक्शन पे ध्यान थोड़ी नहीं दे रहा अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि वो म्यूजिक पे ध्यान दे, दे रहा कि भाई ये अच्छा ऐसा कुछ बनाया उसने मतलब यार अब सुनो इसका अच्छे से अंडरस्टैंड करना ठीक है राइट right? अब मान करके चलो बादशाह ने कोई गाना नहीं बनाया बादशाह ने क्या किया कोई गाना बनाया बनाया किसने बादशाह बराबर है बादशाह ने कोई गाना बनाया कि किसी का ट्रैक हिट ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ अब बादशाह ने एक ट्रैक बनाया अब क्योंकि बहुत सारे इंडियन पीपल ऑल्सो तो स्टे आउटसाइड इंडिया तो उनको भी ये सुनाना था। तो कनाडा बराबर है कनाडा के रेडियो स्टेशन पे बादशाह ने कांटेक्ट किया कि आप ये मेरा गाना बजाइए और इसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा ऐसा क्यों करते हैं बहुत कॉमन पॉइंट है क्योंकि इंडियन गाने वहाँ बजे तभी तो उसको उतना लाइक शेयर एंड अदर थिंग मिलता है तब जाके जब ये फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सर्ट होता है एचट्रा एचट्रा तो बादशाह ने क्या किया नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया फॉर वॉट फॉर लेट्स से वीडियो टेलीविजन टेप्स इंक्लूडिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग

तो चाइना में एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर को बोला जाता है कि आप क्या करोगे अलग अलग जगह पे इस फिल्म को एग्जिबिट करवाओगे और हम आपको क्या देंगे पैसे देंगे अब एनआर को जो पैसा मिल रहा है आर इज फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म ये अमाउंट जो पे कर रहे हैं एनआर को ये भी क्या माना जाएगा रॉयल्टी एंड दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया समझ में आया वहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर राइट टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रॉयल्टी ये जो हमने सबसे पहली बात करी थी अगर सिर्फ यू uh, नो you know, कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है इन एनी मीडिया ये क्या माना जाएगा रॉयल्टी अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता दूँ अब जैसे आप ये फोन देखोगे उष्ट सुप्रचंद बराबर है ये एप्पल अब एप्पल में हमें अगर कोई भी चीज़ कोई नया सॉफ्टवेयर लेना है तो हमें क्या करना पड़ता है पेमेंट करना पड़ता है वेदर एप्पल इज अर्निंग फ्रॉम रेसिडेंट इन इंडिया येस अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बाय कर रहा हूं मैं सीधा फोन बाय कर रहा हूं ये, ये रॉयल्टी माना जाएगा क्या हार्डवेयर विथ सॉफ्टवेयर ये नहीं माना जाएगा रॉयल्टी वो फिर बाय एंड सेल हो गया रॉयल्टी में क्लासीफाई नहीं होता आर यू गेटिंग द पॉइंट फिर वो बिजनेस कनेक्शन में क्लासीफाई होता है टैक्स उस पर भी लगेगा क्लासीफिकेशन रॉयल्टी में ना होकर होता है बिजनेस कनेक्शन में होता है समझ में आई बात नेक्स्ट रॉयल्टी इंक्लूड कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट वेदर नॉट इन इन कंट्रोल ऑफ सच राइट इज विध पेयर सच राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पेयर और द लोकेशन ऑफ सच राइट और प्रॉपर्टी इज इन इंडिया और नॉट ये जो पॉइंट है ये वोडाफोन के इससे रिलेटेड है आगे कैपिटल गे गेन में समझाऊंगा हाल फिलहाल में छोड़ दो तो अगर कोई राइट right भी मिल रहा है इंडियन कंपनी से रिलेटेड तो वो रॉयल्टी में क्लासिफाई हो सकता है अच्छा जी द प्रोसेस इंक्लूड एंड शेल डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड ट्रांसमिशन बाय सैटेलाइट केबल ऑप्टिक फाइबर एनी अदर सिमिलर मीडिया और टेक्नोलॉजी वेदर सच प्रोसेस इज सीक्रेट और नॉट भैया किसी प्रोसेस के लिए भी अगर आपने पेमेंट दिया होगा केबलिंग रीलेबलिंग राइट ये भी क्या माना जाएगा रॉयल्टी सीधे शब्दों में आपको पता है हाउ इंटरनेट वर्क एनी वन नोज कभी देखा यूट्यूब पर सबसे देखा बड़ा देखा जाने वाला वीडियो ही वही है हाउ इंटरनेट वर्क्स तो इंटरनेट क्या होता है मान लीजिए इंडिया में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं फॉरन में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं लेट्स से दुबई के अंदर में और इसको क्या किया जाता है केबल ऑप्टिक के द्वारा जोड़ा जाता है और फिर वहाँ से वो अलग अलग जगह जाते हैं तो फाइबर ऑप्टिक केबल डलता है और इंडिया में अब तक कैसी दो ही कंपनी है जो इन फाइबर ऑप्टिक्स को ले ओवर करती है और उसको मेनटेन करती है पहला था टाटा और दूसरा है रिलायंस और तीसरा आ रहा है अडानी ग्रुप जो इस फाइबर ऑप्टिक केबल को क्या करते हैं मैनेज करते हैं मेंटेन करते हैं अब इस फाइबर ऑप्टिक को मेंटेन करने के लिए एक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है पानी के कारण पानी के प्रेशर के कारण या जानवरों के कारण यू you नो know, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको जाकर के क्या करते हैं ठीक करते हैं तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया जा रहा है फॉर ऑप्टिक केबल और फाइबर केबल इसे भी क्या माना जाता है रॉयल्टी इसे भी क्या माना जाता है रॉयल्टी खत्म अब एग्जाम्पल अंड आपको एक बात बताऊँ ये इतना जो कुछ रॉयल्टी का तुम पढ़ के आए ना ये कोई काम का नहीं सीधा याद रखना गवर्नमेंट ने दिया रेसिडेंट ने दिया नॉन रेसिडेंट ने दिया। किसको दिया नॉन रेसिडेंट को ये रॉयल्टी कहां टैक्सेबल है इंडिया विषय खत्म ये सुनो नेक्स्ट आता है एफ टी एस एफ टी एस का फुल फॉर्म है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज सेम पॉइंट वही है सेम पॉइंट वही है आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने रेसिडेंट ने या नॉन रेसिडेंट ने फॉर बिजनेस इन इंडिया दूसरे नॉन रेसिडेंट को क्या दिया बोलो जल्दी से फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दी दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन या चलो देखते हैं जरा जरा समझिए लेट अस अंडरस्टैंड जब कोविड था बराबर है उमान के चलिए संजय दत्त सर को ट्रीटमेंट के लिए यूएसए जाना है

तो हमारे को एक बंदे से कनेक्ट करना पड़ता था हु इज़ नॉन रेसिडेंट जो हमारे को इसका टेक्निकलिटी समझाए कि हाउ यू नो वीडियो किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं अलाइन हो सकते हैं पूरे इंडिया में जा सकते हैं इसकी टेक्नोलॉजी समझ नहीं रही तो एक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया गया था जिससे पूरी टेक्नोलॉजी समझी गई कि किस तरीके से क्या क्या लगेगा कितना लगेगा क्या लगेगा एट्ट्रा एटसेट्रा अब नॉन रेसिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दी गई दैट अमाउंट विल बी टेक्सीबल इन टू सच नॉन रेसिडेंट टू सच नॉन रेसिडेंट

इज आर डन चलो आओ सेक्शन नाइन देखो बिलीव मी ये बहुत बोरिंग पार्ट है इस पूरे चैप्टर का पर आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से ही आते हैं ये बहुत बोरिंग पार्ट है जेन्युनली बहुत बोरिंग पार्ट है पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से ही आते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े काम का है चलो सेक्शन नाइन खोलो सेक्शन नाइन अभी पूरा नहीं हुआ सेक्शन नाइन में क्या क्या हुआ है चलो देखिए एक बार वेदर पॉइंट नंबर टू इज डन वेदर पॉइंट नंबर थ्री इज डन फोर इज डन इज इज डन डन एंड यस हम लोग सेक्शन नाइन खत्म करने की ओर जा रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनना ठीक है सर सर मनी टेंथ पॉइंट गिफ्ट ऑफ मनी बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट देखिए गिफ्ट हमेशा से टैक्सेबल था लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं था उन्होंने बस एक्सप्रेस कर दिया कि अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को मनी 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 गिफ्ट करता है तो ये टैक्सेबल होगा कहां पे बेटा इंडिया में तो यही लास्ट पॉइंट था यहां पे देखो इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया एनी सम समर फिफ्थ जुलाई टू थाउजेंड नाइन बाई रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट नॉट बींग रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को क्या करता है अगर मनी गिफ्ट करता है दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया वापस मैं सेक्शन नाइन पे आ रहा हूं वापस मैं सेक्शन 9 पे आ रहा हूँ। अगर आप देखेंगे अब सिर्फ एक चीज बची है बीसी अब चीज एक चीज बची है क्या बेटा बीसी दैट इज बिजनेस कनेक्शन बराबर है बिजनेस कनेक्शन को पढ़ाने से पहले बिजनेस कनेक्शन को पढ़ाने से पहले प्लीज ध्यान से सुनिएगा बीसी के तीन रूप है एनीवन बिजनेस कनेक्शन इस पॉइंट पे अच्छे से फोकस करना बेटा देखो आप जब इंटरनेशनल टैक्स पढ़ते हो ना तो वहाँ पे आप पी .E. पढ़ते हो पूरे वर्ल्ड में जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे कहीं का भी टैक्सेशन हो वहाँ पे पी .E. वर्ड यूज होता है पर इंडिया में मोस्ट फेमिलियर वर्ड यूज होता है बीसी इंडिया वालों के लिए थोड़ा आसान भी है आसान क्यों है हमने विराट कोहली सर को देखा है फील्ड में यूज़ करते हुए बराबर है कि नहीं तो वो शायद बेंच स्ट्रोक बेंच स्ट्रोक करते रहते हैं अब इंडिया ने बी सी वर्ड को यूज़ किया पी वर्ड को यूज़ नहीं किया अब पहले ये समझ लेते हैं कि सर ऐसा हुआ क्यों बेस समझ लो प्लीज़ इस पॉइंट को समझना थोड़ा सा बोर होगा पर समझना पड़ेगा सुन क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल टैक्स का बेस है जब तुम फाइनल पे रहते हो ये पूरा इंटरनेशनल टैक्स का बेस है वो तीस मार्क को आता है फाइनल में समझना वो भी पढ़ूंगा सुनो पी क्या, क्या होता है और बी क्या होता है लेट अस अंडरस्टैंड मान लीजिए एप्पल कंपनी है बरे बरे अब आपको तो पता ही है एप्पल क्या छोटी मोटी कंपनी है क्या यानी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस होगा एप्पल जाता है चाइना के अंदर में एक स्टोर ओपन करता है बरे बरे चाइना से क्या वो इनकम आन कर रहा होगा मेरे को जल्दी जल्दी जवाब देता हूँ क्या चाइना से इनकम अन कर रहा होगा यस yes? अब अगर चाइनीज गवर्नमेंट को टैक्स लेना है किससे एप्पल से तो एप्पल का पी चाइना में होना जरूरी है इंटरनेशनल टैक्स लॉस के हिसाब से कोई भी कंट्री किसी फॉरेन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स तभी ले सकती है तो ही ले सकती है राइट जब उसका पीई उस कंट्री में हो आप इसे ऐसे समझे एक चाइनीज कंपनी है चेरी कार की कंपनी है बहुत बड़ी रेंज रोवर देती है 25 लाख रुपए में हां सच्ची सर्च करना कभी चेरी कंपनी है वो कंपनी को माना ही इसलिए जाता है कि वो हर बड़ी कार का जबरदस्त डिक्टो कॉपी बना के रख देती और एकदम सस्ते में रेंज रोवर 25 लाख की है रेंज रोवर की है 25 लाख इंडिया में उसका भाव चल रहा है चार करोड़ वो 25 लाख रुपए में देते चेरी कंपनी अब चेरी कंपनी को इंटरनेशनल टैक्स के हिसाब से चेरी कंपनी को लेट से मालडीव में अपना प्रोडक्ट बेच रही है और मालडीव को अगर चेरी कंपनी से टैक्स कलेक्ट करना है तो उस चेरी कंपनी का पीई e. कहाँ होना जरूरी है मालडीव अब ये पी e. मतलब क्या होता है बड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ पी e. का मतलब होता है कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कोई शॉप कोई गोडाउन कोई ब्रांच कोई ऑफिस कोई मैनेजमेंट ऑफिस वो होना जरूरी है मतलब चाइना एप्पल से तब तक टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक एप्पल का कोई स्टोर कोई ऑफिस कोई यूनिट कोई ब्रांच कुछ ना कुछ चाइना में ना हो तो तब तक चाइना टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती एज पर इंटरनेशनल टैक्स लॉज नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द रीजन वाई एप्पल डिड नॉट हैव एनी स्टोर इन इंडिया ऑल दीज इयर्स जबकि हम उनके सबसे बड़े कंज्यूमर हैं ई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस अब पिछले एक दो साल के अंदर में आके उन्होंने दो स्टोर ओपन किए ऑल दीस इयर जब सबसे बड़े कंज्यूमर हम थे भाई दे डिड नॉट ओपन एनी स्टोर इन इंडिया बिकॉज एज पर लॉ एज पर लॉ अगर एप्पल का एक भी स्टोर ऑफिस ब्रांच मैनेजमेंट ऑफिस कुछ भी इंडिया में आ जाता है इंडिया हैज ऑल द राइट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम इनकम अर्ड इन इंडिया क्योंकि उन, उनका क्या सेटअप हो जाता था पीई उनका क्या सेटअप हो जाता था पी दो साल पहले एप्पल को समझ में आया कि इंडिया वाले बड़े चतुर निकले इन्होंने पी नहीं पी यूज किया है टैक्स तो वैसे भी लग रहा जब टैक्स लग ही रहा है तो स्टोर ओपन करके लगाओ ना फिर दूसरों को कमीशन क्यों देना है जब टैक्स लग ही रहा है तो स्टोर ओपन करके कमाओ ना फिर दूसरों को क्यों देना है दूसरा हम इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया में जाके गवर्नमेंट से निगोशिएट करेंगे तो टैक्स में भी छूट मिल सकती है अब जाके उनको ये गेम समझ आ रहा तब जाके स्टोर ओपन हो रहे हैं बराबर है तो और मुझे पहले पी कंसेप्ट समझा दो ठीक है ये तुम्हारे इंटरनेशनल टैक्स फाइनल का भी बेस है वापस से समझाओ पी -E मतलब क्या होता है कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो कोई भी फॉरेन कंपनी अगर किसी दूसरे कंट्री में जाती है ये कंट्री इस फॉरेन कंपनी से टैक्स तभी ले सकती है जब इस कंपनी का कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ हो उस कंट्री में हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैक्स इवेडर पता है कौन है? कौन? एमेजोन और गूगल सारे देश इंडिया को देख के अपना टैक्स पॉलिसी चेंज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने इनपे भी टैक्स लगा डाला 2017, इट वाज अरुण जेटली सर जिन्होंने खुद की पार्टी के अगेंस्ट में जाके इनपे टैक्स लगाया अरुण जेटली सर वो बंदे थे ऑफिस के के .E. स्टोर यहां हो या ना हो और अगर तुम यहां बिजनेस कर रहे हो या तुम्हारा वेबसाइट यहां पर है यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया तो इंडिया ने बड़ी समझदारी से क्या किया पी हटा दिया अपने लॉ से और क्या लेके आ गया बीसी जिस कारण से आज आप इतना एफ देख रहे हो इंडिया के अंदर में क्योंकि तो वो बोल रहे थे वो पहले से बैकडोर एंट्री मारते थे अब वो बोल रहे जब टैक्स लग ही रहा चाहे मैं फ्रंट डोर एंट्री मारूँ या बैकडोर एंट्री मारूँ तो मैं फ्रंट डोर एंट्री मारता हूँ ना फिर बैकडोर एंट्री में क्यों मारूँ तब जाके टेस्ला को अब समझ में आ रहा है यू एन डज नॉट है परमानेंट सीट इट्स एप्सर्ड वी शुड ओपन अ प्लांट इन चेन्नई वी शुड ओपन अ प्लांट इन चेन्नई अब तुम ऑपरेट कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया थ्रू अ बिजनेस कनेक्शन कंसेप्ट समझ में आया तो इंडिया ने कभी भी पी को प्रमोट ही नहीं किया 2017 के बाद इंडिया ने बीसी को प्रमोट किया जब हमने बीसी को प्रमोट किया और लोगों ने देखा कि यार ये मजा आ रहा है अब टैक्स कलेक्ट हो रहा है अलग अलग कंट्रीज भी क्या उठाना चालू कर दी बी नाम का कंसेप्ट उठाना चालू कर दी That's a डूस that yes. अब आप सोच करके देखिए से जाता होगा इंडिया में क्या कई कंट्री में नहीं भरता था क्यों नहीं भरता था क्योंकि इंटरनेशनल लॉक कहता था आपको क्या बनाने की जरूरत है फिक्स प्लेस क्या बनाने की जरूरत है फिक्स प्लेस वो फिक्स प्लेस रखते ही नहीं थे इंडिया में वो क्या करते थे फिक्स प्लेस रखते ही नहीं थे इंडिया में वो थर्ड पार्टी के थ्रू सेल करते थे बराबर है थर्ड पार्टी के थ्रू सेल करते थे अरुण जेटली सर ने बॉल बॉल गेम ही चेंज कर दिया उन्होंने बोला रोड कनेक्शन अगर इंडिया में मिला खत्म हम तेरे पे टैक्स लगाएंगे सर लेकिन ये कैसे पता चलेगा कनेक्शन इंडिया में है मन में सवाल आना चाहिए लॉजिक है लॉजिक है ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा किताब में लिखा है इसलिए लॉजिक है पूछो ना कैसे टीडीएस देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के इंडिया ने एक सेक्शन लाया सेक्शन 195 नाइन्टी फाइव पे कोई भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट दिया कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है तो 195 में टीडीएस कट कर लो अब ऑप्शन ही खत्म हो गया अब अगर आपको एक्सपेंसेस क्लेम करना है टीडीएस कट कर टी डी एस कट नहीं किया सेक्शन फोर्टी ए आए हंड्रेड परसेंट डिसअलाउड इफ पेमेंट इज मेड टू नॉन रेसीडेंट ऑन विच टी डी एस इज नॉट डिडक्टेड और टी डी एस डिडक्टेड बट नॉट पेड अब अगर इंडियन को एक्सपेंसेज क्लेम करना है तो उसको टी डी एस कट करना है टी डी एस अगर कट नहीं किया मान लो विजय ही किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है बराबर है विजय ने टी डी एस कट नहीं किया पहला प्रॉब्लम विजय के साथ डिसअलाउंस हंड्रेड परसेंट फोर्टी ए आए दूसरा प्रॉब्लम विजय के साथ नॉन डिडक्शन ऑफ टी डी एस के लिए इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अब मैं नाइन वन नाइन्टी फाइव में टी डी एस डिडक्ट करूंगा वन नाइनटी फाइव में जैसे टी डी एस डिडक्ट होगा नॉन रेसिडेंट के पास ऑप्शन ही नहीं है इनकम शो करने के अलावा ऑप्शन ही खत्म हो गया तो जितना टैक्स रेट उनको था आप इन फाइनल में एक टॉपिक पढ़ते हैं एनआर टैक्सेशन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं एन आर टैक्सेशन एनआर टैक्सेशन में लिखा है कि जब नॉन रेसिडेंट ये इनकम कमाएगा तो कितना टैक्स रेट लगेगा उतना ही टी डी एस का रेट रख लिया जैसे वहाँ पे टैक्स रेट रखा कि रॉयल्टी इनकम पे 20 परसेंट टैक्स लगना चाहिए तो नॉन रेसिडेंट जो इंडिया से रॉयल्टी अर्न कर रहा है उस पर टैक्स कितना लगना चाहिए 20 परसेंट यहाँ टी का रेट भी क्या कर दिया 20 परसेंट विषय खत्म अब तू शो कर या मत कर हमारे को तो पता चल गया तेरी इनकम कितनी है समझ में आया क्या गेम कैसा खेला पूरा लॉजिक पूरा सीनारियो समझ में आया एक मिनट मेरे को वापस से जीरो से समझाओ पीई और बी सी मेन फर्क क्या है पी इंटरनेशनल टैक्स क्या कहता है आपका कोई भी कंट्री किसी फॉरेन कंपनी से टैक्स तभी कलेक्ट कर सकती है व्हेन दे हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस अरुण जेटली सर ने इस फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के कंसेप्ट को हटाया और यहां पे लेके आ गया अगर आपका बिजनेस कनेक्शन भी है हमको फिक्स्ड प्लेस चाहिए ही नहीं अगर आपका बिजनेस कनेक्शन भी है तो हम क्या करेंगे टैक्स आर यू गेटिंग द पॉइंट राइट तो पीई e. और बीसी अब मुझे एक बात बताइए कौन सा कंसेप्ट ज्यादा वाइड है e -E का या बीसी का बीसी का क्योंकि ये तब भी टैक्स लगाने का पावर रखता है जब आपका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है क्या आप जानते हैं आधे से ज्यादा कंट्रीज ने गूगल एमेजन इनके ऊपर केस रखा है फॉर टैक्स इविजन क्योंकि ये लोग फिक्स प्लेस रखते ही नहीं और अब आप सोच करके देखिए ना कितनी कंट्री होगी जहाँ पे एक्चुअली गूगल का ऑफिस होगा तो ये लोग ऑपरेट तो कर रहे हैं वहां पे इनकम भी अर्न कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट बेच करके पर ये लोग टैक्स ही नहीं भरते उस कंट्री के अंदर में तो रेवेन्यू तो जा रहा है पर टैक्स उस कंट्री को आ ही नहीं रहा अकेले गूगल और अमेजोन ही क्या कर रहे हैं इनकम अर्न कर रहे हैं विदाउट विद एक्चुअली यू नो सरपासिंग द लॉ वेरी स्मार्टली ये ऑफिस ही नहीं रखते कोई प्रिंसिपल ऑफिस नहीं भरो टेंशन ही खत्म इंडिया ने वो लॉ चेंज कर दिया तो पी क्या होता था अ प्लेस ऑफ बिजनेस सी में क्या है नो फिक्स्ड प्लेस रिक्वायर्ड नो फिक्स प्लेस रिक्वायर्ड भाई समझा सभी को समझा जितने बच्चे ऑनलाइन सबको समझ में आया कंटेंट क्या है कंटेंट में अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज सर बताइएगा कि हाँ सर मजा आ गया नेक्स्ट पॉइंट बिजनेस कनेक्शन के तीन पार्ट है व्हाट इज बीसी सी बीसी बीसी डोर एंड आफ्टर बीसी का मतलब है बिजनेस कनेक्शन अगर आप घर पे देख रहे होंगे टीवी पे लाउड म्यूजिक में तो प्लीज बंद कर दीजिए इज अ डन सर आप फेस टू फेस लेक्चर कहाँ लेते हैं पुणे

ये वो पार्ट है जिसको आप सेल्फ स्टडी करते वक्त पहुंचते ही नहीं हो बराबर है मतलब आपने सेक्शन सिक्स पढ़ा और रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म है ना फिर जब पेपर आता है तब समझ में आता है ये भी सिलेबस में था क्योंकि पेपर यहां से बनता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए मैंने आपसे कहा और मैंने आपको चैप्टर चालू करने से पहले ही बता दिया सिक्स सिक्स वन ए सेक्शन नाइन के चार चीज पढ़ लेना आपका रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा मैंने आपको पहले ही बता दिया अब सुनना कनेक्शन हम बिजनेस कनेक्शन किसे कहेंगे सुन सुन रहे रहे हो हो ना तुम तुम या सो बेटा बेटा पचास बार निद्रा बुलाएगी बुलाएगी मगर जाने का नहीं है ना आज सब आज सो गए तो सपने सो जाएंगे तुम भी काम कर रहे हो हम भी काम कर रहे हैं छुट्टी का दिन है ऐसा लगेगा यार छुट्टी का दिन है कौन, का कौन काम करता है कर मस्त दोस्त सो रहे होंगे ना। जिनको सोना है सुन दो ये सपने भी वहीं रहेंगे मैं असली में पूरे करने हैं थोड़ा सा भागना पड़ता है नो डाउट फेल के भागना पड़ता है बट कोई बात नहीं भागना पड़ता है दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स है ना सब कुछ नहीं मिलता लाइफ में गिवन ए चांस मेरे को कहाँ होना चाहिए था नागपुर में गिवन ए चांस मेरे को कहाँ होना चाहिए था मेरे फैमिली के पास नागपुर में गिवन ए चांस मैं कहाँ यहाँ कई बार इच्छाएँ काम नहीं करती है समझ तो में आ रहा है कई बार तुमको काम करना पड़ता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग बहाना देते हैं जेनुनली एक बात बता रहा हूँ समझना घर में हेल्थ इशू आ गए थे तू क्या कर रहा था देखो हम सब कुछ ना कुछ बहाना देते हैं पहला बहाना क्या होता है सर घर में मम्मी की हेल्थ खराब हो गई थी पप्पा की हेल्थ खराब हो गई थी उन्होंने ना साले एक कटोरी उठा के नहीं दी होगी उनको दी भी होगी मेरी एक बात अंडरस्टैंड करना जितना भी मेडिकल प्रॉब्लम आ गया कुछ भी आ गया वो तेरे को तो याद नहीं रखते समझ में आया तेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई तो उसका सोल्यूशन है क्या नहीं जिस घर में काम वाली बाई को तुमसे ज्यादा इज्जत हो वहां तुम अपने आप को इंपॉर्टेंस मान रहे हो यही गलत है वहां तुम अपने आप को इंपॉर्टेंट मान बैठे हो यही गलत है समझ में आया तुम सबसे पहले तो यह समझ लो कि भैया तुम किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम इंपॉर्टेंट कब बनोगे पता है लाइफ में जब तुम पैसे वाले बनोगे तुम किसी भी लाइफ में इंपॉर्टेंट तब बनोगे जब तुम पैसे वाले बनोगे जितने जल्दी इस सत्य को स्वीकार कर लो उतना अच्छा बराबर है? जितने जल्दी इस सत्य को, को, कोई तुम्हें नहीं कहेगा अपना है बराबर है जब तक कि तेरे पास पैसा है तेरे को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा पचास बार मन करेगा तेरा खुद का ऐसा लगेगा आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये लग रहा वो लग रहा व्हाट सो एवर इट इज उ लाइफ वर्कनेस कनेक्शन देखते हैं चलो बेटा कनेक्शन क्या है वॉट इज बिजनेस कनेक्शन बिजनेस इन कनेक्शन शेल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरियड आउट थ्रू अ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट येज एन हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट और हैबिचुअली कंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे ये yes सोनो no? अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है क्या करता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है तो ये क्या माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन देट मी गिव एन एग्जाम्पल टाटा ऑन बिहाफ ऑफ लैंड रोवर

एवरीबॉडी, यस। yes. अब मुझे एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए। मैंने मेरे डिस्कवरी के लिए पैसे दिए मैंने किसको दिए लैंड रोवर को मैंने मेरे डिस्कवरी के लिए पैसे दिए किसको दिए लैंड रोवर को पैसे दिए अब मेरी बात समझना पैसा लैंड रोवर को गया लेकिन लैंड रोवर स्मार्टली क्या कर रहा था इंडिया में टैक्स चोरी कैसे कोई यूनिट ही नहीं था इसके थ्रू ऑपरेट कर रहे थे टाटा 2017 में लॉ आ गया अगर आप नॉन रेसिडेंट है और आपके बिहाफ पे भी इंडिया में अगर कोई कंक्लूड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो आपका क्या माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन और जितना लैंड रोवर ने विजय से कमाया होगा अपने डिस्कवरी बेच के विल दैट बी टैक्सेबल टू लैंड रोवर इन इंडिया यस बात समझ में आई सभी को पहला दूसरा हैज नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया अ स्टॉक अ स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट मान लीजिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्लूड नहीं कर सकते येस और नो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्लूड नहीं कर सकते तो आप अगर उसके बिहाफ पे स्टॉक भी मेंटेन करते हो इंडिया में तो ये मान लिया जाएगा दैट आपका वहाँ पे क्या है बिजनेस कनेक्शन अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कई लोग पैसा कैसे कमाते हैं कई लोग अली वेबसाइट पता है आपको अली वेबसाइट से प्रोडक्ट लेते हैं उसका स्टॉक मेंटेन करते हैं और बाद में वो इंडिया में सेल करते हैं बराबर है अब अंडरस्टैंड करिएगा अली डॉट कॉम का स्टॉक इंडिया में मेंटेन किया जा रहा है अलीबाबा इंडिया में खुद ऑपरेट नहीं करते वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करते हैं अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की पे भी स्टॉक भी मेंटेन करता है विल दैट बी एज बिजनेस कनेक्शन यस अनादर ले लो लोक्सवेगन इज ए नॉन रेसिडेंट क्या इंडिया में स्टोर में उनके भी पे स्टॉक मेंटेन किया जाता है एक्सेबल इन इंडिया ोज के बिहाफ पे क्या इंडिया में स्टॉक मेंटेन होता है यस अब डोमिनोज जितना इंडिया से कमा रहा होगा चीज बर्ड बेच करके गार्लिक ब्रेड स्टिक बेच के चीज डिप बेच करके डबल चीज डिप बेच करके या फिर अच्छा बस क्या हाँ

बताया दानुबे करके एक प्रॉपर्टीज है कहाँ पे बेटा दुबई में बराबर है अब इंडिया में कुमार बिल्डर्स क्या करते हैं जरा समझना कुमार बिल्डर्स बोलते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी क्या करके देंगे सेल करके देंगे जो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए जैसे आर जे डी के ए डी जेड बराबर है वाई एम हम क्या करेंगे इनको बराबर है दुबई की अब जैसे रिसेंटली आर ने अपने दो फ्लैट लिए दुबई के अंदर में अब उसने क्या किया कुमार बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट किया और कुमार बिल्डर ने डानूबे प्रॉपर्टीज को क्या करके दे दिया ऑर्डर सिक्योर करके दे दिया नाउ अब बताओ क्या ये इनके बिहाफ पे स्टॉक सेल कर रहे हैं नहीं स्टॉक सेल नहीं कर रहे स्टॉक मेंटेन थोड़ी नहीं कर रहे हैं इंडिया में वो सिर्फ उनको कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड एक्चुअली कहाँ हो रहा दुबई में

2017 में इस प्रोविजन के आने के चक्कर में क्या उनको टैक्स भरना पड़ेगा हाँ सर पर इसको कैसे पता चलेगा आर ने वहाँ प्रॉपर्टी ली है बताया तो तुम्हें टी प्रॉपर्टी बाइंग के ऊपर टी 50 लाख के ऊपर गया तो 10 परसेंट है रहेगा पर वो सेक्शन सिर्फ से रेसिडेंट के लिए है एन के लिए फिर क्या बनता है 195 कुछ नहीं मिला तो क्या है 195 टीडीएस कट करना ही पड़ेगा समझ में आ रहा है ये है आपके तीन एग्जाम्पल अब मैं तुम्हारे को एक एग्जाम्पल एक बोलूँ कि अच्छा वाला सपोज हम लोग जाते हैं मेक माई ट्रिप पे हम लोग प्लान करते हैं कि आपका जैसी फास्ट ट्रैक खत्म होगा इसमें मैं भी एक जुड़ जाऊंगा और हम लोग सब जाएंगे कहा मेडिटेशन करने के लिए थाईलैंड देखिए हर पेट शुक्रवार पेट नहीं होता है ना बाकी आप समझदार हैं बाकी आप समझदार हैं है ना तो हर चीज को एक एंगल से नहीं देखा जा सकता अब हम लोग कहाँ गए लेट से हमने टिकट बुक करी विजय ने एमएमटी पे गया और एमएमटी पे टिकट बुक करी अब मेरे को सोच समझ के बताना यहाँ एक नॉन रेसिडेंट होटल है बराबर है लेट से रेडिसन ब्लू हाँ

यहां कुमार ने सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी के लिए डील करी थी दानू में इसलिए वो क्या थे बिजनेस कनेक्शन हां यही अगर कुमार बिल्डर्स दुबई के किसी भी बिल्डर के लिए इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करेगा वो भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना अगर मेनली एंड होल्डली एक ही बंदे के लिए आप कर रहे हो तो ही वो क्या माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा समझ में आ रही है बात अब आओ तीनों वर्ड वापस पढ़ो वट इज बिजनेस कनेक्शन ध्यान से सुनना ट इज बिजनेस कनेक्शन बिजनेस कनेक्शन कब बोलेंगे बेटा हम बिजनेस कनेक्शनिटी टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उनके बिहार in में स्टॉक ऑफ गुड्स इंडिया में स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो या फिर हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली एंड होली फॉर नॉन रेसिडेंट मेनली एंड होल्ली फॉर नॉन ब्रोकर जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट है एग्जाम्पल एम एम टी इधर कुमार बिल्डर्स लॉजिक समझ में आया सभी को ये सो एमएमटी का एग्जाम्पल रिपीट कर दो शायद लैग आ गया था हाँ बेटा ये लो एमएमटी हम बुकिंग करते हैं थाईलैंड में रेडिसन ब्लू के लिए पर क्या एमएमटी सिर्फ रेडिसन ब्लू का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है क्या हमसे नहीं क्योंकि वो ऑर्डर मेनली एंड होली सिक्योर नहीं कर रहा इंडिया में इसलिए वो कैन नहीं माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा क्लियर है मालिक चलो तो हम रजिस्टर में लिख रहे थे व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन आ गया What is business connection? What is a BC?. If a resident conclude contract on behalf of below non-resident, for example, TaTA conclude the contract. ऑन बिहाफ of ऑ ऑ Land ऑफ बोलो बेटा लैंड रोवर हैज बी सी इन इंडिया अहला पॉइंट समझ में आया सभी को दूसरा इफ रेसिडेंट मेंटेन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन-रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल डुब्लियांट फूड और डोमिनोज डुब्लियांट फूड इंडिया में डोमिनोज की भी आप पे स्टॉक मेंटेन करता है थर्ड सिक्योर ऑर्डर मेनली और ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल मिनी सॉय और मिनी सॉय थाईलैंड मिनी सॉय दिखा है आपने मिनी सॉय के स्टोर है ना यार ये अवेलियन और अदर मॉल में मिनी सॉय के स्टोर्स है ना मिनी सो मिनी ए बोलते हैं उसको जो तो भी है मेनली एंड ओनली उनके लिए ऑर्डर जिसको ये नहीं समझ में आया पेप्सिको इंडिया टू पेप्सिको यूएसए कोक इंडिया कोक यूएसए दे आर सिक्योरिंग ऑर्डर मेनली एंड ओनली फॉर देम ओनली बट इफ यू हैव एन इंडिपेंडेंट एंड स्टेट Thus, being an agent is not a BC, is not a EC. For example, MMT secure order but on an independent state. ये टॉपिक सी एम में है बेटा प्लीज मॉड्यूल खोल के टॉपिक तो देख लो कौन कौन से टॉपिक के बिना ना सिलेबस ही चालू नहीं हो आयुष उसका फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होता है सर आप पुणे में रहते हो रहता घर में हो घर पुणे में इज द डन चलो आपका फेवरेट प्लेस थाईलैंड है क्या अलग से कभी मिल बताऊंगा अलग से कभी मिल बताऊंगा अभी ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकता ना? चलो वॉट इज बिजनेस कनेक्शन समझ में आया सभी को okay. सुनना डीम्ड बिजनेस कनेक्शन अभी डीम्ड बिजनेस कनेक्शन क्या ये एक और कंसेप्ट निकाला था सर अरुण जेटली सर ने डीम्ड बिजनेस कनेक्शन कुछ केस में माना जाएगा कि बिजनेस कनेक्शन है अब ऐसा क्यों किया क्योंकि बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन भी थी जो ये थी अधूरी थी कैसी थी बेटा इसे पूरा किया गया और अब देखिए इतना गजब लिखा गया कि अब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया इंक्लूडिंग गूगल एमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विसेस

इसमें आप गुड्स बेच रहे हो सर्विसेज बेच रहे हो डाउनलोड ऑफ डेटा सर्विसेज दे रहे हो डाउनलोड ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हो और इसका एग्रीगेट पेमेंट दो करोड़ रुपए के ऊपर जाता है तो आपको क्या होगा बेटा टैक्सेबल होगा कहां बेटा इंडिया में टैक्सेबल होगा सर एग्जाम्पल बताओ वाह मान लीजिए एमेजॉन प्राइम उल्लू नहीं बना हूं बात समझना एमेजॉन प्राइम बराबर है एमेजॉन प्राइम वेदर यू आर डाउनलोडिंग द डेटा उसके लिए पेमेंट कर रहे हो अमेजॉन प्राइम इंडिया से दो करोड़ रुपए के ऊपर तो साल भर में कमाई ले रहा होगा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन अब सोचो जो अमेजॉन प्राइम जैसे या यू आर डूइंग चिल विथ नेटफ्लिक्स बराबर है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है चिल करने से पहले सो so, <laughs> अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं दो करोड़ से ऊपर कमा रहे हो गए इंडिया में येस पर देखो पहले बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन से नेटफ्लिक्स टैक्सेबिलिटी में नहीं आता था ना कोई उनके भी ब्यापे इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता था ना कोई स्टॉक मेंटेन करता था ना ही कोई मेनली एंड होली ऑर्डर सिक्योर करता था तो वो बिजनेस कनेक्शन में नहीं आ रहे थे तब जा करके ये प्रोविजन लाया कि डाउनलोड ऑफ डेटा मान लो आपने कोई वेबसाइट मान लो लेट्स ए हब से डाउनलोड ऑफ डेटा सर्विसेज भी लिए राइट तो ऐसा हब होगा जिससे कोई मूवीज आ ऐसा डाउनलोड होता रहेगा तो ऐसा कोई यू नो वेबसाइट भी होगा ऑब्वियसली डाउनलोड ऑफ डाटा अगर आप दो करोड़ रुपए के ऊपर पेमेंट कर रहे होंगे दैट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया दूसरा डाउनलोड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्पल कवर हो गए क्या देखना जरा माइक्रोसॉफ्ट कवर हो गए क्या देखना जरा ये सुनो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट भी कवर हो गए यस yes. तो so, ये सब भी अगर दो करोड़ रुपए के ऊपर कमा रहे होंगे टैक्सेबल इन इंडिया अब मुझे बताइए Amazon एज अ वेबसाइट सेल ऑफ गुड्स से भी अगर पैसा आ रहा होगा टैक्सेबल सर्विसेस से भी आ रहा होगा टैक्सेबल समझ में आया क्या बात ये सोनो नेक्स्ट पॉइंट सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंगेज इन इंट्रैक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर सच नंबर ऑफ यूजर इन इंडिया एक्सीड थ्री लैख अगर आपके नंबर ऑफ यूजर भी तीन लाख के ऊपर है और इससे आप सॉलिसिट करके कोई इनकम कमा रहे होंगे तो टैक्सीबिलिटी आएगी पूछो कैसे फेसबुक इंस्टाटा बबल गम बम्बल एक्स ओ एक और था ना यार क्या था बंबल जैसा क्या है कुछ? टिंडर, स्नैपचैट गूगल अब इसमें जितने भी बचे हुए गेम्स है सब जोड़ लो नंबर ऑफ यूजर क्योंकि इन यूजर के भरोसे पे इन्हें क्या मिलता है एडवर्टाइजमेंट्स इन यूजर के भरोसे इनमें क्या मिलता है एडवर्टाइजमेंट आप देखिए इंस्टा चलाइए बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा YouTube 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 तो क्या इंडिया में नंबर ऑफ यूजर तीन लाख से ज्यादा होंगे सोते-सोते भी अरे लोग सोते-सोते भी YouTube शॉर्ट्स है अरे YouTube शॉर्ट्स देखते ना ऐसा क्या कर रहे हो नंबर ऑफ़ यूज़र इसके कारण उनको क्या मिलता है इंडिया से एडवर्टीजमेंट यह सुनो जैसे आप कोई अच्छा सा रात में डेढ़ बजे आप मस्त कोई अच्छा सा वीडियो देख रहे हो अचानक वीडियो से पहले आएगा रात में गेम खेला और कोई तकलीफ आ रही जंगली महाराज रम्मी पे आओ ना महाराज आदमी किस मूड में है ये जंगली रम्मी पे बुला रहे हैं बट <laughs> जंगली रम्मी का एडवर्टीजमेंट इंडियन फर्म से किसको मिल रहा है नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है क्योंकि उनके पास इंडिया में नंबर ऑफ यूजर नंबर ऑफ यूजर तो या तो दो करोड़ के ऊपर पैसा कमा रहे हो या तो बताइए इंस्टाग्राम में तीन लाख से ऊपर यूजर होंगे पे होंगे और तो इतने वेल्ले लोग बैठे हैं सर जिसकी हद नहीं दूसरों को सिर्फ ये बताते टूडे ट्यूजडे

अब आप मुझे बताइए ये सारे लोग क्या इंडिया से पैसा कमा रहे होंगे यस नंबर ऑफ यूजर अब समझा ये लाना क्यों जरूरी था क्योंकि बीसी वॉज नॉट सफिशंट टू कवर अप एवरी तो ऐसी जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स है या ऑनलाइन एप्स है जो पैसे मांग रहे हैं येस ऑर नो मान लीजिए आपने कोई मंथली सब्सक्रिप्शन लिया कहीं वेबसाइट इज अर्निंग फ्रॉम इंडिया ना इज दैट इनकम टैक्सेबल इन इंडिया टू दैट नॉन रेसिडेंट यस कहाँ आ जाएगा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन यस सोनो नो अच्छा सर वो हब वाले वेबसाइट पे सिक्सटी के यूजर एवरी मिनट एक्टिव होते हैं मेरे को क्या लेन देना भाई यस एक बच्चा देखो मतलब तो कंसेप्ट छोड़ के कुछ भी इधर इधर कभी तुमने न कमेंट पढ़ना ये अपने आप में एक कॉमेडी चैनल सर अब आशीष चांचलानी जैसे लगते हो गलत वो मेरे जैसा लगता है मैं अपने आप को क्यों कंपेयर करूं भाई किसी से बरे, बरे की नहीं भगवान ने अपने को ऐसा बनाया है अपने पास वो डिग्री है सुनो एक आध दिन भाई मेरे को रोस्ट करेगा चला डीम बिजनेस कनेक्शन कब बोला जाएगा बेटा इफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और डाउनलोड ऑफ डाटा एक्स ₹8000000, yes? तर आप डोरेमोन जैसे लगते हो। पढ़ ले रे। ये ये डोरेमोन मतलब वो ब्लू कलर वाला हुआ ना? वो जिसके दो ऐसे एंड हैं वो ब्लू कलर वाला, है ना? और वो जिसके लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है वो कौन है वो नोबिता है वो और वो उसकी आइटम कौन थी <laughs> वो, वो उसके आइटम सिजुका है <laughs> बराबर है ना और वो वो जो एक मेरे जैसे जानवर था भी है उसमें कोई सुन जियान, जियान सुनियो कौन है फिर अच्छा वो उसका फ्रेंड है इधर भी बहुत लपड़े साला हट नेक्स्ट इफ नंबर ऑफ यूजर एक्ससीड 3 ले ये लेक्चर में ना इतने बोरिंग टॉपिक के बीच में ये सब लाना पड़ता है हा? तो मर जाएगा बच्चा तो ये डीम्ड बिजनेस कनेक्शन है आहो लॉजिक समझा सभी को तो इधर कौन सी कंपनी कवर कर रहे है? बेटा हम एमेजोन उल्लू मत बनना भैया हम क्या कवर कर रहे हैं यूट्यूब एक बोल रहा सर आप ग्लेन हो ग्लेन कौन है अभी ये नया ग्लेन भी कुछ रहता क्या नहीं ठीक है जान दो भाई का विद बिजुका का क्या है ये बीजू का भी कुछ है क्या नहीं मैं नहीं मैं ये क्यों पूछा आपसे मालूम है क्या मैं मेरे घर पे जाता हूँ ना तो स्वास्थ्य की यही दिखता रहता और उसने मेरे को दो तीन बार समझाने की कोशिश की है कि पापा ये ये है ये ये है ये ये है मेरे को समझ कुछ भी नहीं आता मैं उतना ही यहाँ बोलता जितना मैं मेरी बीवी को बोलता आज कामवाली भाई ने ये किया बोल के मेरे को क्या है लेन देन है मेरा नहीं हो रहा चलो नॉट अ बिजनेस कनेक्शन फिर काम खत्म करेंगे आज का वॉट इज नॉट अ बीसी कौन सी चीज बीसी नहीं मानी जाएगी देखो इतना पढ़ने से पहले लिखने का काम कर लेते पढ़म कर लेंगे क्या चीज बीसी नहीं है पहला परचेसेस ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर द परपज ऑफ एक्सपोर्ट परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ये परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट दूसरा न्यूज तीसरा सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और चौथा डिस्प्ले ऑफ डायमंड्स रॉ ऑब्लिक अनकट डायमंड इज दैट डन अब इसे लिख के रखिए डिस्कस कल करेंगे मैं आपको आज का टारगेट दे रहा हूँ सभी लोगों को ध्यान से सुनना आज का टारगेट क्या है सर सेक्शन सिक्स टू नाइन पूरा आपको पढ़ना है इसमें से मेन फोकस नाइन पे रहेगा आज का टारगेट क्या है सिक्स टू नाइन सुनो आ, हाँ जी तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले अभी कि आज के लिए बस हुआ कल करेंगे कल करेंगे ठीक है कल करेंगे बाय बोलो कल हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा और शायद मैं कल हेड्स पे जम्प करूँ शायद अगर ये खत्म हो गया तो शायद फिर मैं हेड्स पे जम्प करूँ और जो टेस्ट सीरीज है वो आप मान करके चलो कि अगले वीक को मैं अपलोड करूंगा मतलब मंडे को लगभग जब तक आपके तीन चैप्टर हो चुके होंगे तो आप उसको पढ़ पाएंगे क्योंकि कल ही मैंने आपको टारगेट दिया था वन कंप्लीट करने का तो अब मैं उसके टेस्ट डालूंगा डोंट वरी अबाउट इट बाय बोलो